देख सकता है। वैसा अपना जब HCl में होता है व्हेन इट इज इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तभी नहीं होता ना, पेरोक्साइड इफेक्ट का तभी अपना आयोनिक, तभी आयोनिक बनेगा या प्रोडक्ट का रेडिकल, मतलब रेडिकल से जाने के लिए क्या है कि इसका दोनों का दोनों जो स्टेप्स होता है ना प्रोपगेशन स्टेप, हाँ सर, वो होना चाहिए तुम्हारा क्या एक्सोथर्मिक होना चाहिए, ठीक है ना। ओके तो HBr में क्या होता है, दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, जबकि HCl में और HF में और HI में दोनों स्टेप एंडोथर्मिक होता है। नहीं नहीं नहीं, एक्सोथर्मिक ही होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। ओके ओके, तो इसलिए बच्चे रेडिकल क्लासेस नहीं जाता है। HCl और HF और HI अगर रहेगा तो रेडिकल करेंगे, और HBr पेरोक्साइड रहेगा तो पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से आयोनिक रहेगा। उल्टा कर दिया ना तुमने, जनरल देख सुनो, अगर हम जनरल, हाँ जनरली वैसे जी, हम जनरल रिएक्शन क्या है, आयनिक रिएक्शन है एच प्लस और बी आर माइनस, ये जनरल रिएक्शन वैसे। ओके, तो कटायन आयन बनने को आयनिक बोलते हैं, बट इन केस ऑफ एच बी आर एच टू ओ टू मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एच बी आर वाले बच्चे रेडिकल रिएक्शन दे देता है। ओके, और रेडिकल ही मतलब फ्री रेडिकल है बच्चे, रेडिकल मतलब क्या है, रेडिकल मतलब क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। हाँ सर, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है और HBr के केस में होता है, गॉट इट। हाँ ठीक तो है, इसमें वो जो Cl2 है बच्चे, हीट कर दिया ना यार, तो Cl2 हीट कर दो या Cl2 पेरोक्साइड डाल दो, ठीक है ना, Cl2 लाइट ले लो, ये सब कुछ भी कर लो, NbS ले लो, NbS नहीं Cl, NCS ले लो या SO2 Cl2 ले लो, ये सारे रिएजेंट ऐसे हैं जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एट एलाइलिक पोजीशन पे। हाँ सर, एलाइलेशन, एट एलाइलिक पोजीशन, तो देखो ना ये एलाइलिक पोजीशन है, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनाओगे ना दैट इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, तो इसमें क्या करना था, यहाँ पे Cl जोड़ देना था, तो राइट आंसर इज बी। तो एक ही Cl जोड़ेगा रे, एक ही Cl जोड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन है ना यार, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा ओके ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वन एच हैड रिप्लेस बाय हैलोजन, अब बार बार कराकर दो तीन जोड़ सकते हो, बट जनरली हम वन जोड़ते हैं, और अगर हीट नहीं करते सिर्फ Cl लेते और नॉर्मल टेम्परेचर लेते तो क्या होता, ए बन जाता, तो हीट करने पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विदाउट हीट एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे मत भेजो बजे, ऐसे हम पढ़ नहीं पाएंगे इसको, एक अलग भेजो प्यूस, आप जो फोटो भेज रहे हो ना उसको रोटेट करके भाई, ये भी अच्छी चीज, देखो ये सारे जो फोटो भेजे हो ना बच्चे, इसको थोड़ा सा मतलब हम जब मोबाइल से देखते हैं ना तो कैसे भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप देख रहे हैं तो इसको थोड़ा रोटेट करो, रोटेट, हाँ रोटेट कर, तो सर मैंने आपको मॉड्यूल भेजा है, मैं वापस मतलब भेजूंगा, हाय करो, हाँ हाय करो, ओके बच्चे, तुम लोग भेज रहे हो, हाँ सर एक मिनट,
भावा चित दुर्गे से इसमें डाउट है? हाँ देख लो ना, ए डबल बॉन्ड सी एच टू है, देखो काबो का टाइन है, काबो का टाइन है, तो क्या करना है, काबो का टाइन बनाकर एच टू पी चेक करना होता है। तो बच्चे यहाँ पे एच प्लस आएगा, यहाँ पे काबो का टाइन आएगा, यहाँ पे एच प्लस आएगा, यहाँ पे काबो का टाइन आएगा, यहाँ पे एच प्लस आएगा और यहाँ पे काबो का टाइन आएगा। तो बच्चे वो काबो का टाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, प्लस इन ज्यादा इफेक्ट है। तो बच्चे टू में और थ्री में, टू थ्री वन सब में रेजोनेंस हो रहा है, बट टू और थ्री में बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है और वन में बच्चे जी ऑक्सीजन का प्लस सेम हो रहा है, देख रहे हो? तो बेंजीन का प्लस सेम और ऑक्सीजन का प्लस सेम, ऑक्सीजन का प्लस सेम सबसे पावरफुल होता है, ऑक्सीजन का प्लस सेम सबसे पावरफुल होता है। तो वन हो गया बच्चे जी। फिर बच्चे टू और थ्री में बात करोगे तो टू में बच्चे जी क्या हो रहा है, नंबर रेजोनेंस तो दोनों में सेम हो गया, रेजोनेंस बच्चे टू और थ्री दोनों में सेम हो गया बेंजीन का। नाउ गो फॉर द हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे थ्री अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, तो थ्री और दो में कौन पावरफुल बचे जी, थ्री वाले, तो टू ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए, सही तो नहीं? हाँ सर, मुझे वही है लेकिन गलत है, मुझे भी रॉन्ग दिया था सर। हाँ तो यही आनी चाहिए बचे जी, ठीक है। अगर हम रिएक्शन बचे काबो का टाइन नहीं बनाते, अगर हम ब्रोमिनेशन कराते, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना, तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, काबो का टाइन तो करा बनाता ही नहीं है, नॉन क्लासिकल का टाइन बनता है। तो इन केस में बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो होगा बच्चे। इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन आंसर होता है जी 1 3 2 होता, बट अगर काबो का टाइन बना दिए तो आंसर 1 2 3 हो जाएगा। डिस्कस करते हैं मॉड्यूल बच्चे, थोड़ा डाउट डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअल, फिर मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चे देख लो, हाउ मेनी डाई क्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सीओ आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन आर टू क्लोरो पेंटेन रिएक्ट विद सीएल इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, हाउ मेनी डाइक्लोरोप्रोडक्ट, तो बहुत कंफ्यूज हो रहा था सर, ये आर टू क्लोरोपेंटेन, आर टू क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन है ना यार, तो ठीक है ए क्लोरीन जोड़ दो यहाँ पे, वे या डैश पे किसी एक पे जोड़ दो, ठीक है ना, ए फिक्स कर दिया यार, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, अब ए आर है कि ऐसे क्या है, 1 2 3 1 2 3, हाँ ठीक है ए आर है, तो ऐसा वैसे दिया हुआ, ठीक है ना। अब बच्चे जब सी एच टू जब बोलोगे तो कितने बच्चे बनेंगे, इंक्लूड देख रहे हैं क्या क्या है, इंक्लूडिंग आइसोमर्स, यू हैव टू राइट ऑल द आइसोमर्स, हाँ सर। तो बच्चे सी एल क्या जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है सी एल, यहाँ जुड़ सकता है, देखो यहाँ जुड़ेगा तो कोई कायरल बनेगा, देखो एक कायरल पहले से ही है, यहाँ पे जब तक रिएक्शन नहीं कराओगे कुछ नहीं कर सकते आप, यहाँ जो सी एल जोड़े हो तो कायरल बना क्या, नहीं बना, तो ओनली वन, यहाँ सी एल जोड़े तो कायरल बना क्या, हाँ सर देखो ना, यस, यहाँ से कितना, वन नहीं टू, टू कायरल, देखो ए भी है बट ए फिक्स है तो इसको कुछ नहीं करना है, यस सर, तो टू बनेगा यहाँ से, यहाँ जोड़ोगे तो बोलो कायरल बना क्या सर, तो एक को फिक्स करने का और दूसरे सीएल को घुमाते रहने का पूरे काम, हाँ क्योंकि फिक्स एक किया हुआ है, लिख दिया हुआ है कि भाई टू का है तो एक को तो सर, पर आर, सर पर आर बोला है ना सर, तो उसके हिसाब से घूमेगा ना, आर के हिसाब से ये आ रही है बच्चे, अच्छा ओके, ये आर बोला ओरिजिनल कंपाउंड, उसके बाद प्रोडक्ट के बाद, हां ये ओरिजिनली आर लिख दो, तो ये आर लिखा हुआ है, जो स्ट्रक्चर लिखा ना बीच में लिख दो आर हो गया, ये फिक्स हो गया, अब इसमें कुछ करना ही नहीं करते रहो, तो यहाँ पे भी दो बन जाएगा, जब यहाँ पे जोड़ोगे ना तो कायरल नहीं रहेगा, जब यहाँ पे जोड़ोगे तो कायरल रहेगा ही, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, फिर वैसे जब यहाँ पे जोड़ोगे तो कायरल नया नहीं बनने वाला है, तो यहाँ भी वन, तो कितना हो गया बोलो, देखो 2 2 4 2 7 6 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गॉट इट, हाँ समझा सर,
आर टू क्लोरोपेंटेन ओ टू एच थ्री ऑप्टिकली एक्टिव डाई क्लोरोफोन सिम तो है यही तो अभी क्वेश्चन किए हो तुम यार आर टू क्लोरोपेंटेन था ना हाँ तो पिछला क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आया तो मुझे वो समझ नहीं इसलिए मेरे को आगे के वैसे ऑप्टिकली एक्टिव डाई क्लोरो प्रोडक्ट तो सारे के सारे एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है कौन सा पार्ट जो सीएल पे जुड़ा है ना देखो ये सीएल है और ये जुड़ गया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसके अलावा सब क्या है बोलो ऑप्टिकली एक्टिव है यस सिक्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव ओके सर यस 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 सिक्स नहीं होगा जी जैसे यहाँ पे जब सीएल जुड़ा हुआ है ना तो यहाँ पे जब सीएल आएगा ना तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री हाँ तो यहाँ भी कम कर दोगे तो एक कम यहाँ पे कर दोगे ठीक है ना तो टोटल सेवन था तो सेवन में से आपने टू हटा दिया एक तो यहाँ जोड़ने वाला और एक यहाँ जोड़ने वाला ठीक है ना तो टू हटा दिया था कितना बच गया फाइव फोर क्यू सर राइट साइड में भी एकदम राइट वाला भी एकदम कार्बन है अरे बचे तो ए तो कायरल है ना यार कैसे बात करते हो अगर ए हमने यहाँ पे जोड़ दिया सी एल बट ए तो कायरल है ए तो फिक्स है आर ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना यार सर ये कैसे ऑप्टिकल एक्टिव है अरे कायरल सेंटर किसी मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल सेंटर वहां पे सॉरी तो फाइव विल बी द राइट आंसर ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पे सीएल टू ऑप्टिकली एक्टिव डाई क्लोरो प्रोडक्ट अच्छा इसमें दो क्लोरीन जोड़ना है डाई क्लोरो प्रोडक्ट हाँ तो इसमें पहले से क्लोरीन था तो एक क्लोरीन जोड़ना था इसमें दो क्लोरीन जोड़ना है ठीक है तो दो क्लोरीन आइसोमर्स क्वेश्चन पूछ रहा है आइसोमर्स हो गया दो क्लोरीन का होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव बताना तो बच्चे एक सीएल यहाँ है अब दो सीएल यहाँ जोड़ दो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव इनएक्टिव यस अब क्या करो एक सीएल यहाँ है एक सीएल यहाँ कर दो बोलो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव तो कायरल सेंटर है ना यार दो कायरल सेंटर है और सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है तो क्या बनेगा थ्री कंपाउंड बनेंगे क्या बोलते हो फॉर्मूला है ना यार तो थ्री बनेंगे इसके इसमें से दो जो है एक्टिव होगा और एक क्या होगा इनएक्टिव होगा म्यूजो होगा एक ठीक है सिमिलरली बच्चा जी ऐसा होगा बच्चा जी सीएल यहाँ और सीएल यहाँ बताओ यहाँ पे कोई कार्य सेंटर नहीं है तो यहाँ सारे सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव ओनली टू ओनली टू मतलब आइसोमर से क्वेश्चन है यह है ए सर वैसा ही है सर सिर्फ ग्रोथ भी है ऐसा भी ब्यूटेन के साथ है बस खत्म नहीं वो जो ए वाला था ना वैसा ही है सिर्फ इसमें ब्यूटेन है क्लोरोपेंटेन गुड गुड वेरी गुड चलो बहुत अच्छा हां आ अब इसमें क्या होता है जी पहले जब ब्रोमीन सर CCl4 यूज होता है ना सर CH2Cl2 का एक बार बता दो ना ये भी सॉल्वेंट है बच्चे जी ए प्रोटीन सॉल्वेंट है CCl4 यूज कर लो या CH2Cl2 यूज कर लो दे आर ए प्रोटीन प्रोटीक सॉल्वेंट चाहिए थे एडिशनल ए प्रोटीन सॉल्वेंट हां मतलब ए प्रोटीन सॉल्वेंट ओके क्योंकि प्रोटीन ले लेना वाटर ले तो वाटर ऐड कर दो हां बराबर देखो ना क्या करोगे बच्चे पहले यहाँ पे नॉन क्लासिकल कटायन बना लो क्योंकि बी आर टू इज इलेक्ट्रोफाइल तो बी आर जुड़ गया बच्चे नॉन क्लासिकल कटायन बन गया डबल बॉन्ड खत्म हो गया अब बताओ जो वीकर बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ दो तो कौन वीकर बॉन्ड है सिंस ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ए बॉन्ड क्या है वीकर बॉन्ड है कैसे पता चला वीकर बॉन्ड क्योंकि इसको तोड़ोगे कार्बन कटायन बनाओ इसको तोड़ो कार्बन कटायन बनाओ जो कार्बन कटायन ज्यादा स्टेबल है वो बॉन्ड वीकर होता है जो कार्बो कटायन ज्यादा स्टेबल है वो बॉन्ड वीकर होता है तो बच्चे ए बॉन्ड वीकर है सॉरी ए बॉन्ड ए वाला बॉन्ड वीकर है ए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वीकर बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या होगा ए अपना आएगा इलेक्ट्रॉन देगा इसको और इसको बी आर को तोड़ देगा सर एनबीएस होगा ना एनबीएस क्या है एनबीएस क्या होता है ओएच वाला आ रहा है ना हाँ तो एनबीएस क्या बोलते हैं एनबीएस मतलब कुछ भी बोल दिया एनजीपी जो है बिल्कुल सही वेरी गुड अब एनजीपी क्या होता है
कि पहले से उसमें लिविंग ग्रुप होता है, निकलता है तो उसको एनजीपी बोलते हैं। यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो कोई बाहर से नहीं है ना, तो आप बोल सकते हो लाइक एनजीपी, लाइक एनजीपी, क्योंकि पहले बीआर लिविंग ग्रुप बना। अब बाहर से कोई अटैक नहीं करके अंदर से रिएक्शन हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं इंट्रा रिएक्शन, इज कॉल्ड लाइक एनजीपी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एनजीपी कंसेप्ट अलग है, बट लाइक दैट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग बन जाएगा। एक तरफ मिथाइल रहेगा, दूसरी तरफ मिथाइल रहेगा, एक तरफ मिथाइल पे कुछ भी नहीं जुड़ेगा, दूसरी तरफ मिथाइल पे क्या रहेगा, बीआर रहेगा। तो सी इज द प्रोडक्ट, देखो एक मिथाइल है, एक मिथाइल है, एक मिथाइल है, रिंग फॉर्मेशन होएगा क्योंकि वहां पे पॉजिटिव बनेगा और वहां पे एनजीपी होएगा, इसलिए ओके सर, ओके समझ आया? हां सर समझ गया। तो एडिशनल ब्रोमिंग के लिए कोई भी ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट चाहिए। हाँ बच्चे, सनिकिता बच्चे क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ बच्चे, मॉड्यूल डिस्कशन ना, यस यस, देखो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा यार, अभी ये ना दुर्गेश ने भेजा है मॉड्यूल जो है, ठीक है, तो सनिकिता बच्चे जी हम लोग मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे, डाउट भी। देखो ओवरऑल क्या है, नॉलेज बढ़ाना है बच्चे, इंक्रीज करना है, चाहे वो मॉड्यूल के थ्रू हो या असाइनमेंट के थ्रू हो, कहीं से भी हो, पर्पस यही है, मतलब कोई भी अगर चैप्टर पढ़े हो तो कम से कम एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस वो सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, तो कहीं से भी कर लो यार, चलो करेंगे बच्चे हम लोग, ठीक है, यस। हाँ बच्चे जी, अरे वाह, तो कल तो मैं यार फिजिकली गया था बोरीवली सेंटर पे, तो एक दो बच्चा आया था डाउट डिस्कस करने, जो है कुछ बच्चे तो यार आ गया कि सर पढ़ा दो, सब कुछ पढ़ा दो, ठीक है, तो चलो सो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ए आर एन, अच्छा ठीक तो है यार, डायजोनियम सॉल्ट हो गया ना, तो बच्चे यहाँ पे जो रिएक्शन पीएच कंट्रोल ध्यान रखना, ठीक है ना, दो बच्चे ये समझ लो ये कंसेप्ट है, सर पढ़ाया है क्या, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ाया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नहीं सर नहीं पढ़ाया, हाँ क्योंकि ये अभी का नहीं है, ये रिएक्शन बच्चे मतलब फिनॉल और एनिलीन का है, तो देख लो, मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ क्योंकि फिनॉल एनिलीन में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग का क्या चैप्टर स्टार्ट हुआ अभी, नया चैप्टर सर सॉलिड स्टेट, अरे वो नहीं ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं सर, ऑर्गेनिक में लास्ट हैलोजन डेरिवेटिव, सर हैलोजन डेरिवेटिव खत्म हो गया, अरे बाप रे बहुत फास्ट जा रहे हो तुम, ठीक है चलो बहुत फास्ट जा रहे हो, ठीक है मतलब इट्स गुड, क्योंकि अभी हैलोजन डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, तो अभी क्लास 12 का पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, मतलब खत्म हुआ, इट्स गुड बच्चे, चलो तो बच्चे ये देखो ए एन एच टू है, ठीक है ना, तो ये दोनों ही क्या होता है बच्चे जी, और इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट, दिस इज डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, कंसेप्ट है, सीख लो आगे काम में आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या बच्चे जी, इसको बोलते हैं वीक वीक इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल, वाई वीक इलेक्ट्रोफाइल, देख रहे हो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है जी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, अगर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, अरे प्लस चार्ज बच्चे यहाँ नहीं होता है, ये प्लस चार्ज यहाँ होता है, ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाया ना यार, इसलिए प्लस चार्ज होता है, तो इस सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पे रिएक्शन उसी का होता है जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड रिंग हो, क्या हो, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड रिंग, मतलब सिंपली बेंजीन से रिएक्शन कराओगे तो नो रिएक्शन, ठीक है ना, आप सी एच एच करा दो नो रिएक्शन, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड रिंग चाहिए, अब बताओ फिनॉल भी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड है, एनिलीन भी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड है कि नहीं बच्चे, तो जब इससे रिएक्शन कराओगे ना, तो अब रिएक्शन बच्चे पीएच कंट्रोल होता है, जैसे OH है, अब बताओ OH ज्यादा एक्टिवेटेड है स्ट्रॉन्गली कि NH ज्यादा एक्टिवेटेड है, बोलो तो NH में स्ट्रॉन्गली फास्ट रिएक्शन होगा, OH में कम होगा, तो हम क्या करते हैं OH में हम चाहते हैं फिनॉल के साथ रिएक्शन फास्ट हो, तो ऐसा क्या करें फिनॉल में रिएक्शन फास्ट हो जाए, बोलो थोड़ा बेसिक मीडियम डाल दो, तो अगर बेसिक मीडियम डालोगे तो क्या बन जाएगा ये, बोलो O माइनस बन जाएगा, बताओ O माइनस में और OH में विच इज स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड, O माइनस, O माइनस, ठीक है ना, अब बच्चे ए स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड हो गया, मतलब फिनॉल से ज्यादा हो गया, अब बच्चे इससे रिएक्शन होता है तो ऑर्थो एंड पैरा पे बदल गया,
ऑर्थो से भी कनेक्ट हो सकता है, पैरा से भी कनेक्ट हो सकता है, और इलेक्ट्रोफाइल एन प्लस है, तो कपलिंग दिया सुनो, देखो जुड़ा है कि नहीं, देखो ना एन डबल बॉन्ड एन, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन पी एच, और बच्चे साथ में ऑर्थो पे भी जुड़ जाता है ओ माइनस एन डबल बॉन्ड एन पी एच, बट बिकॉज ऑफ एस्टेरिक क्राउडिंग ऑर्थो इज नॉट ए मेजर, पैरा इज द मेजर होता है, ठीक है, क्योंकि ये बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल बहुत बल्कि। तो अब होता है कि सर इसमें पीएच क्या होना चाहिए, क्योंकि बेसिक मतलब पीएच तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इतना तो श्योर है कि पीएच हाई होना चाहिए। अगर पीएच बहुत ज्यादा ले लिया तो होता होगा क्या बच्चा जी, ये जो एन प्लस है ना इसी पे वाटर अटैक, कोएच माइनस अटैक कर देगा, अगर पीएच बहुत ज्यादा ले लिया तो इस पे अटैक हो जाएगा और ये ऐसे ओपन हो जाएगा, तो बेंजीन पे रिएक्शन नहीं होकर क्या हो जाएगा बच्चा जी, यहाँ पे पीएच एन डबल बॉन्ड एन ओएच ये बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को भी रोकना है, ठीक है, और बढ़ाना भी है इसको, तो इसका ऐसे ग्राफ होता है बच्चा, ए है हमारा पीएच और ए है रेट या रिएक्टिविटी, ठीक है ना, तो ऐसे होता है ग्राफ बच्चे, ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है, मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ाते जाओगे क्या होगा, रेट इंक्रीज करना जाएगा, बट आफ्टर सर्टेन पीएच फिर क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू होगा, ये जो होता है इसका ऑप्टिमम रेंज ये होता है, दिस इज द ऑप्टिमम रेंज, इसको बोलते हैं जो ए रेंज है बच्चा जी 10 to 11 होता है, मतलब ए रिएक्शन सुटेबल है 10 to 11 पीएच में, गॉट इट, मतलब कौन सा पीएच, लो पीएच, हाई पीएच या मॉडरेट पीएच, मॉडरेट पीएच, किसके लिए बच्चा जी, फिनॉल के लिए, समझ में आया बच्चे कंसेप्ट, फिनॉल के लिए ए रिएक्शन बच्चे जी मॉडरेट पीएच पे होता है, ठीक है ना, होगा तो यार स्टार्टिंग हो जाएगा, तो कुछ काम नहीं होगा, तो लो पीएच पे भी हो जाएगा, होने के लिए लो पीएच पे होगा, बट हाँ रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम बनेगा, बहुत हाई पीएच भी हो जाएगा, बट प्रोडक्ट क्या करेगा, देखो ना बन तो रहा है यहाँ, ठीक है ना, बट बहुत कम होगा, जो अच्छा बनेगा ये, अच्छा अमाउंट जो बनेगा वो इस पीएच रेंज में, ये देख रहे हो ए ज्यादा बन रहा है जो, क्लियर, ये हो गया फिनॉल का कंसेप्ट है। नाउ बच्चे विल टॉक अबाउट एनिलीन, एनिलीन क्या होता है बच्चे जी, ये तो अपने आप ही बच्चे क्या है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें यार ए, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, और ए होते हैं सीएन कपलिंग, कार्बन और नाइट्रोजन विच बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं सीएन कपलिंग, बट इन केस ऑफ एनिलीन क्या होता है जी, नाइट्रोजन कपलिंग हो जाता है, नाइट्रोजन कपलिंग हो जाता है, तो नाइट्रोजन कपलिंग क्या हो जाएगी, एन डबल बॉन्ड एन और बच्चे यहाँ पे पीएच है, प्लस चार्ज है, तो बच्चे ए अटैक करता है और ए ऐसे हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्ट्रॉन्गर बेस, नाइट्रोजन रिलेटिवली मतलब स्ट्रॉन्गर बेस है, तो एनएन कपलिंग को प्रेफर करता है, तो आप बनाना चाहते थे कुछ और बन के आता है बच्चे पीएच एन एच एन डबल बॉन्ड एन पीएच ए बनकर आता है, तो आप चाहते हो कि कपलिंग नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, इसकी जो बेसिक एक्शन है थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, तो कैसे डिक्रीज होगा, एच प्लस डालने से कि ओएच माइनस डालने से, एच प्लस डालने, नहीं नहीं अरे यार बेसिक है ना यार, तो इस पे एच प्लस जब डालेंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा, ये NH3 प्लस, तो इसका कुछ पार्ट NH2 प्लस रहेगा, कुछ पार्ट NH3 प्लस रहेगा, ध्यान रखना रिएक्शन यहां से नहीं हो, क्योंकि तो ये तो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटेड हो गया, यू नो दैट एक्टिवेटेड वीकली डीएक्टिवेटेड रिंग से रिएक्शन होता ही नहीं, बट क्या हुआ इसका रेट थोड़ा डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना, तो अब जो रिएक्शन होगा वो यहां से और यहां से रिएक्शन होगा, ठीक है ना, और दूसरी चीज क्या होती है, इन एसिडिक मीडियम अगर ये बन भी गया ना तो इसका मैकेनिज्म है, ए रीअरेंज होकर क्या बन जाएगा फिर से, ऑर्थो एंड पैरा, एन एन कपलिंग हो गया ना, एक कपलिंग के बाद भी फिर से बच्चे रीअरेंज होकर क्या बन जाता है, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे कपलिंग होता है और पैरा पे कपलिंग होता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना, अब है कि भाई यहाँ पीएच क्या होना चाहिए, तो इसके लिए भी ग्राफ यही होता है, मतलब ए पीएच रेंज ये नहीं होता है, अब इसका जो रेंज क्या होता है बच्चे, अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड ले लिया तो क्या होगा, सारे के सारे कन्वर्ट जाएंगे इसमें, अगर पीएच ले लिया 1, 2, 3 तो क्या होगा, ऑल NH2 विल कन्वर्ट इन बोलो NH3 प्लस में, और ये क्या हो गया, तो वीकली डीएक्टिवेटेड हो गया ना, तो क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका कुछ कुछ ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, और जो पीएच रेंज होता है वो कुछ 5 to 6 रखते हैं पीएच रेंज, मतलब 4.5 से मतलब 5 to 6 रखा जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बच्चे हाई पीएच है, नहीं है, क्या है? लो पीएच है, बहुत लो भी नहीं है, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं इसको, अब क्या बोलोगे, एनी पीएच भी गलत हो गया, हाई पीएच भी गलत हो गया, ठीक है ना, अब लो पीएच और इंटरमीडिएट पीएच, इंटरमीडिएट पीएच तो यार
ज्यादा हो जाएगा यार, तो लो पीएच ही रखेंगे। तो मतलब उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, इसलिए आंसर में इंटरमीडिएट ही था। तो इंटरमीडिएट था, तब देखो अब 5-6 होता है, इसको आप क्या बोलोगे? मॉडरेट। मॉडरेट तो इसको बोलते हैं यार, मॉडरेट जो है, हाँ फिनॉल वाला बोलते हैं, जो 10-11 होता है। हाई बोलोगे क्या? नहीं बोलते हैं, हाई बोलोगे तो यार 11-13-14 भी हो गए ना, इसको क्या बोलोगे? इसको हाई बोलोगे 13-14 को क्या बोलोगे? तो पीएच रेंज देता है बच्चे, ठीक है ना। बट ये क्या है, किसी और ने डिजाइन किया है तो ठीक है, आप यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंटरमीडिएट बोल दो, क्योंकि एनी तो हो नहीं सकता है, हाई हो ही नहीं सकता है, लो में तो भाई 3-2 भी लो है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बच्चे गो थ्रू द इंटरमीडिएट पीएच, बट यू हैव टू नो एग्जैक्ट पीएच, पीएच रेंज पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और ऑप्शन के अनुसार आप आंसर डिजाइन कर लो, गॉट इट? हाँ सर। चलो बच्चे जी भाई, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट बच्चे जी, यस तो बच्चे ठीक तो है, इसमें सिंपली रिंग बना देना होता है यार, ठीक है। जब नाइट्रेशन करोगे तो कर लो नाइट्रेशन यार, एच प्लस डाल दिया, सबसे पहले एच प्लस डाल दो ना, एच प्लस अगर डाल दिया आपने तो क्या होगा? किसी भी डाल दो यार, देखो इलेक्ट्रॉन है तो कुछ करना नहीं है, तो एच प्लस डालोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे एच प्लस डाल दो या इधर एच प्लस डाल दो, तो इस यहाँ पे एच प्लस डाल दो या यहाँ एच प्लस डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा? कार्बो कैटायन बनेगा, कार्बो कैटायन बनेगा, ए रिंग अपना, मतलब इलेक्ट्रोफ्लिक्स, आपस में पहले इलेक्ट्रोफ्लिक्स ऑप्शन करा लो आपस में, ठीक है। तो एच प्लस डालोगे, कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो एक बेंजीन न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, एक बच्चे इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, तो यहाँ पे बच्चे ऐसे बन जाएगा फर्दर, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, बट इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एच प्लस काम करेगा, फिर बाद में मतलब एज ए समझो कि कैटलिस्ट से काम करेगा, एच प्लस आएगा फिर एच प्लस जाएगा, तो ऐसा बच्चे जी रिंग बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करोगे? अब ए रिंग कनेक्टेड है तो अब HNO3 में क्या होगा? NO2 जुड़ेगा, तो कहाँ पे जुड़ोगे? इस मिथाइल के ऑर्थो पैरा पे या बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे? बेंजीन के तो यहाँ पे जोड़ दो NO2 यार, तो राइट आंसर इज बी, करेक्ट? यस सर। मतलब ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप में बच्चों को दिक्कत होता है, सर H प्लस ही डाल दिया क्या होगा, ए रिंग बना कैसे, ये ज्वाइन कैसे किया? सर वही डाउट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ज्वाइन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक जैसे मतलब एच प्लस आता है, कार्बो कैटायन बनता है, ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, अटैक करेगा, फिर से एच प्लस गायब निकल जाएगा, तो एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसमें क्या बच्चे जी, द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी, बच्चे एक क्वेश्चन हो गया बच्चा जी, मतलब तुम्हारा आइसोटोप इफेक्ट से, तो क्या बच्चे नाइट्रेशन बच्चे जी डीप्रोटोनेशन RDS होता है क्या? बोलो, दो स्टेप है ना यार, एक तो है, एक स्टेप क्या है बच्चे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा है डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होता है? एरोमेटिसिटी गेन होता है, और एक है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब एडिशन ऑफ NO2। तो कौन सा स्टेप RDS होता है बच्चे, एडिशन ऑफ NO2 या डीप्रोटोनेशन? एडिशन ऑफ NO2। तो उसमें बच्चे जी H का जाना या D का जाना है ही नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ तो H है कि D है उससे इंडिपेंडेंट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है ना, बट इन केस ऑफ सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, इस केस में जी ध्यान रखना सेकेंड स्टेप RDS होता है। Yes, तो उसमें आइसोटोप दिखाता है जी, हम बोलेंगे उसमें क्या हो जाएगा जी, एच वाला ज्यादा होगा, डी वाला ग्रेटर देन बी सल्फोनेशन। चलो क्या रिएक्शन करता है SOCl2? काम बच्चे अगर कहीं एसिड है ना, अपने अभी ए रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ROH पे डाल दो SOCl2, बोलो क्या करता है? RCl बनाता है, RCl, yes sir। तो जो काम इसमें है ना, वही काम एसिड में भी करता है, अगर आपने RC डबल बॉन्ड OH ले लिया, इस पे SOCl2 डाल दिया, तो क्या करेगा, इस OH को किससे रिप्लेस कर देगा? Cl से। और जब आपने AlCl3 ले लिया तो फिर Cl जाएगा, SILium कैटायन बन जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा। Got it? तो देख लो आप क्या हो रहा है जी, तो यहाँ पे AlCl3 वाटर डाल दिया था, क्या करेगा, एनहाइड्राइड है, एक ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बो कैटायन बन जाएगा और एक एसिड बन जाएगा। हाँ सर, अभी हो जाएगा, बस SOCl2 में ही डाउट।
ठीक हो जाए चलो, मतलब इसमें क्या होता है ना, हर रीजन का रोल पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जेई पूछता है, बट क्या है आपको ईच एंड एवरी रीजन का रोल पता होना चाहिए, जिंक एजीएसएल क्या करेगा, टीम आंसर रिडक्शन, तो अगर एक का पता है तो आसान करना, तो वो एसोसिएट तो फिर वो उसका कोई नाम है क्या? नहीं है ना, एसोसिएट का क्या नाम है, कुछ नाम नहीं है, रीजेंट है, बहुत फेमस रीजेंट है। Identify the principal organic product of the following reaction. ठीक है ना, ए अभी पढ़े नहीं होगे तुम लोग, ए बच्चे रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक पे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने क्या पढ़ा अभी? हाँ सर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ तो जिसका अल्काइल हैलाइड हो गया है, एराइल हैलाइड हो गया है, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव हो गया है, उसको ही आता होगा बच्चे, होता क्या बच्चे जी, आपने कुछ हीट उठ नहीं किया है ना, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो दो टाइप का मैकेनिज्म होता है, एक होता है इलिमिनेशन एडिशन पास और एक होता है एडिशन एलिमिनेशन पास, तो जो इलिमिनेशन है उसको बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं, तो बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए जो है स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, क्या चाहिए? स्ट्रॉन्गर बेस, हाँ, और हीट भी चाहिए, बट स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, और इसके लिए चाहिए क्या चाहिए, एडिशन एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, बट इसमें कंडीशन क्या है कि अगर बच्चे कोई लिविंग ग्रुप है ना, तो इस लिविंग ग्रुप के ऑर्थो एंड पैरा पे क्या होना चाहिए, माइनस एन ग्रुप होना चाहिए, लाइक एनओ टू होना चाहिए, सीओएच होना चाहिए, ठीक है ना, तो सिंस बच्चे जी ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, एक इसको फेवर करेगा एडिशन एलिमिनेशन को, ठीक है, तो उसको हटाएगा, उस लिविंग ग्रुप को हटाएगा जिसके ऑर्थो एंड पैरा पे क्या हो, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, अब बताओ बी आर भी लिविंग ग्रुप है, ए भी लिविंग ग्रुप है, अगर बी आर के लिविंग ग्रुप की बात करोगे तो क्या होगा, इसके ऑर्थो एंड पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या, बोलो नहीं है, क्योंकि NO2 क्या हो गया, पावरफुल इलेक्ट्रॉन बट मेटा पे है, बट अगर एफ, हाँ नहीं एफ बी आर के बच्चे, बी आर के ऑर्थो सॉरी मेटा पे, बट अगर फ्लोरीन की बात करोगे ना तो फ्लोरीन के पैरा पे है, तो बच्चे ए किसको निकाल पाएगा, बी आर बट एफ, हाँ सर फ्लोरीन निकलेगा, तो फ्लोरीन निकलेगा, बेटर लिविंग ग्रुप बी आर है, बट उसके लिविंग ग्रुप से मतलब ही नहीं है, इसको मतलब है कि बच्चे बेंजीन पे इसके ऑर्थो पैरा पे क्या है, तो ब्रोमीन के बच्चे जी पैरा पे ऑर्थो पे है ही नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए बच्चे जी फ्लोरीन के पैरा पे है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, एसएच आएगा और फ्लोरीन को निकाल देगा, तो राइट आंसर इज बी, समझ में आया कंसेप्ट है? हां सर एक बार फिर से समझाओ, मैं बोला बच्चे जी सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि मैकेनिज्म क्या हो, तो बेंजाइन यहां पे कभी फॉर्म होता है सर, हां बेंजाइन तभी होगा जब हम क्या ले अल्कोहलिक या NaNH2 ले ले, तो इस केस में जी बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, ओके सर, अब यहाँ पे सिंस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं होगा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म बोलते हैं, ओके बोलते हैं SNAR बोलते हैं, हां SNAR यस, ये तो नॉर्मल है बच्चे जी, सबको SNAR ही बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी, तो अब उसको रिमूव करना है कि लिविंग ग्रुप के ऑर्थो एंड पैरा पे क्या होना चाहिए, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब लिविंग ग्रुप डिसाइड नहीं करता है, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो एंड पैरा पे क्या जुड़ा है वो डिसाइड करता है, तो यहाँ पे बी आर पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पे बच्चे कुछ ग्रुप है ही नहीं, ये तो यार पावरफुल ड्रॉइंग तो होता ही नहीं है, बट अगर हम लोग बच्चे एफ के बारे में बात करें तो एफ के पैरा पे क्या जुड़ा हुआ है, एनओ टू जुड़ा हुआ है जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे पहले ए डिसाइड किया कि मैकेनिज्म क्या होगा, अब बच्चे ए डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा बच्चे, तो सिंस फ्लोरीन के पैरा पे एनओ टू है इसलिए फ्लोरीन इज रिप्लेस बाय SCH3, that's why B is the right answer. Got it? तो ये substitution हो गया ना? अब इसका elimination path कैसा होगा? उस समय ऐसी elimination path में product वही है, जाएगा वो जुड़ेगा। अच्छा। Mechanism अलग अलग होता है। Okay. और mechanism decide करता है कि BR जाएगा कि F जाएगा, ठीक है ना? Okay, और भी बहुत सारे अंदर भी चीजें हैं, तो आप पढ़े होंगे कि क्या होगा जो है अंदर की बारे बात और भी बहुत सारी चीजें। चलो चलिए नेक्स्ट OH माइनस हो चाहिए, एक तो एक कपलिंग करा दो यार, देखो सब में कपलिंग करा के रखा है तो इतना समझ में आ गया कपलिंग होगा, कपलिंग होगा तो कैसे होगा यार, देखो OH माइनस क्या करता है, कौन सा रिएक्शन,
देखो ठीक है, मतलब दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर, मतलब क्या किया इसने, देखो OH लिया हो ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया HCl Cl और यहाँ पे OH और OH करा दिया, अब दूसरा क्या करा दिया था जी, Cl Cl चार मोलक्यूल है, पहले तो OH OH आ गया, फिर OH जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, O माइनस O माइनस हो जाएगा, एसिडिफिकेशन क्या होता है, फास्टर होता है, अब AO माइनस आएगा HCl को हटाएगा, AO माइनस आएगा HCl को हटाएगा, तो क्या बन गया, OCl यहाँ भी OCl वहां पर, तो कपलिंग रिएक्शन हो बी, आया कि नहीं, Yes. पहले दो मोल तक क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, बाद वाले जो दो मोल होंगे उससे एसिड रिएक्शन में जाएंगे और ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्साइड फिर से इसको सीएल को रिप्लेस कर, चलो नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट इज, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, ठीक है, ये रिएक्शन पढ़े हो क्या, ये तो एलिहाइड कीटोन का रिएक्शन, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप सिंपली समझ लो, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप इंक्रीज करता है, नहीं तो पढ़े नहीं होगे, आगे एलिहाइड कीटोन पढ़ोगे तब पता चलेगा, तो बच्चे इसका सिंपली आंसर जानना चाहते हो तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो ज्यादा हो जाएगा, ए बच्चे जी डोनेटिंग ग्रुप है तो सबसे कम हो जाएगा, और ए है डोनेटिंग ग्रुप बट सिर्फ मेटा पोजिशन पे है तो यहाँ पे माइनस आई लगता है, तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा फोर हो जाएगा, फिर बच्चे टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, सबसे लास्ट में वन हो जाएगा क्योंकि प्लस सिंबल लगा है, तो डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ हाइड्रोजन को इंक्रीज डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग को इंक्रीज करता है, तो ये पढ़े नहीं हो तो रहने दो, सर आपने नाम क्या बोला रिएक्शन का, हाइड्रेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या होता है, एक कीटोन है या एल्डिहाइड है, इसमें जब वाटर से रिएक्शन कराते हो ना तो ऐसा OH OH बनता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन, तो ये अभी नहीं पढ़े तो आगे से, मतलब ये होता है ना कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा इतना ही क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे ज्यादा अट्रैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक कब होगा, इस पे कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, अगर जी है तो डोनेटिंग होना चाहिए, विड्रोइंग होना चाहिए, विड्रोइंग होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, NO2 सबसे ज्यादा होता है, NO2 सबसे ज्यादा होता है इसलिए, और प्लस एक क्या पैरा पे है ना, देखो इसके पैरा पोजीशन में जुड़ा हुआ है और एक क्या प्लस सेम होता है, बट मेटा पे तो प्लस सेम होता ही नहीं, ओनली माइनस आई देखते हैं, तो प्लस सेम होता होता है बच्चे इसका, बट प्लस सेम हमने देखा ही नहीं, सिर्फ माइनस आई देखा, हो गया डाउट तुम्हारा बच्चे जी इसमें, यस चलो बच्चे जी, केविन बच्चे जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो सही तो है यार, स्ट्रक्चर देखो, अगर दिक्कत हो रहा है ना तो स्ट्रक्चर लिख लो तो दिक्कत नहीं होगी, देखो ये देखो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, ये जो ग्रुप है ये क्या हो जी बेंजीन पे, एन एम ई एम ई बचे जी, यहाँ क्या है लोन पेयर है, इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस एम लग रहा है, इसका माइनस एम लग रहा है, ठीक है यहाँ देखो, और माइनस एम लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, बट ध्यान रखना रिएक्टिविटी इज कंट्रोल बाई माइनस आई इफेक्ट, अच्छा ए मिस्टेक की होगी तुम, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होता है वो माइनस आई से कंट्रोल होता है, माइनस एम से कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ए मिस्टेक हुआ होगा, चलो यहाँ देख लो बच्चे जी, पी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, तो ये भी क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, और ये क्या है पीएच एन प्लस चार्ज और एमी एमी और एमी, ये प्लस चार्ज हो गया, तो सबसे स्ट्रांगली एक्टिवेटेड कौन हो गया जी, ये अगर आप सी ओ ई टी, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री और दिस इज फोर, तो स्ट्रांगली एक्टिवेट कौन हो गया, वन तो डी एक्टिवेटिंग हो गया ना, माइनस आई, तो टू हो गया सबसे, फिर बचे जी
थ्री भी क्या है एक्टिवेटिंग है, बट इसका प्लस एम कम है, इसका प्लस एम ज्यादा है क्योंकि ये बगल में माने से मोला ग्रुप जुड़ गया, ये हो गया जी थ्री। अब बच्चे ए दोनों डीएक्टिवेटेड है, वन एंड फोर वो था डीएक्टिवेटेड, लेकिन कौन ज्यादा डीएक्टिवेटेड है? देखो यहाँ पे माइनस एम तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, तो अगर आपने माइनस एम देख लिया तो आपको आंसर आएगा बच्चे जी वन ग्रेटर देन फोर, अगर आपने माइनस एम देखा तो, क्योंकि आप बोलोगे सर इसका माइनस एम है इसका माइनस आई, तो बच्चे माइनस एम नहीं देखते हैं, ध्यान रखना माइनस एम नहीं देखते, ठीक है, देखा जाता है एक्चुअली माइनस आई देखा जाता है, ठीक है, माइनस आई मतलब रिएक्टिविटी जनरली बच्चे माइनस आई से कंट्रोल है, तो अगर माइनस आई को हम लोग कंपेयर करें तो बच्चे यहाँ पे प्लस चार्ज है, और बच्चे देखो प्लस चार्ज आने से क्या होता है माइनस आई बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बच्चे से प्लस चार्ज आ गया, और इसमें क्या है सिंपली माइनस आई पे दो दो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे लोन पेयर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बच्चे आंसर शुड बी फोर ग्रेटर देन ये होना चाहिए किसे वन से फोर ग्रेटर देन, बट ऐसा कहीं ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है क्या कहीं ऑप्शन नहीं है, समझे इसका आंसर शायद यही दिया होगा, क्योंकि इस असाइनमेंट में ना ये जो स्टार रहेगा ना वही आंसर होता है, मतलब ए रेजोनेंस की मॉड्यूल है, रेजोनेंस वालों ने क्या किया स्टार मार्क लगा दिया उसमें, तो देखो इसमें जो जो भी स्टार दिखेगा ना वही आंसर होता है, तो बच्चे डी आंसर दिया, मतलब ये बोला है इसने वन को ग्रेटर देन फोर बोला है, ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे ए पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है, ये उतनी पावरफुल नहीं होता है, तो ठीक है आप देख लेना आप सर ऑप्शन नहीं है, समझ आया बच्चे केविन, तुम्हें डाउट क्या था, डाउट क्या था केविन तुम्हारा, केविन बच्चे क्या डाउट था तुम्हारा, हाँ बच्चे केविन सुन पा रहे बच्चे, ये डाउट किसका है, केविन का है ना डाउट, किसी और का है पता नहीं सर किसका, चलो बच्चे जी लिखा हुआ है केविन, यहाँ केविन सुन पा रहे हो तुम, चलो बच्चे जी ठीक है, तो ये बच्चा लगता है इनएक्टिव है, तो आगे बढ़ते हैं हम यार, क्योंकि जिसका डाउट होगा वही नहीं है, तो फिर सो यस बच्चे हम लोग अभी मॉड्यूल पे चलते हैं यार, ठीक है मॉड्यूल डिस्कस करते हैं हम लोग, हाँ सर Br2 और Fe क्या होगा बच्चे जी, ब्रोमीन बच्चे कहाँ जुड़ेगा बच्चे जी OH और CH, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ब्रोमीन के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है यार, कैसे बात करते हो, ब्रोमीन के लिए OH के बाजू में कर दिया, हाँ ब्रोमिनेशन के लिए कंडीशन ही नहीं है यार कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार, ठीक है ना, तो OH के बच्चे ऑर्थो एंड पैरा पे, तो बच्चे दो च्वाइस है, ए च्वाइस है, ए च्वाइस और ए च्वाइस, ए तो दोनों के बीच में है तो बहुत कम बनेगा, ए बच्चे सीओच के बगल में है तो इसका माइनस आई ज्यादा होता है तो ये भी कम बनेगा, तो एक ही च्वाइस बचा, मेजर विल बी दिस, बी विल बी द मेजर, सर इसका आंसर तो कुछ भी दे सकता है बच्चे, आंसर तो नहीं क्या जाता है, देखो रूडल क्राफ्ट एसलेशन में है कि बच्चे जी डी एक्टिवेटेड रिंग हो तो नहीं होगा, लेकिन ये तो यार डी एक्टिवेटेड भी नहीं है ना यार, देखो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, एक डीएक्टिवेटिंग जुड़ा हुआ है, तो आप इसको डीएक्टिवेटर थोड़ा बोल सकते हैं, और पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना, और ब्रोमीन का कंडीशन नहीं है, अगर ये नहीं भी होता ना तब भी रिएक्शन होता हो जाए, अगर ऐसा दिया हुआ है सीएच हो तब भी तो रिएक्शन होता है ना यार, होता है कि नहीं, और तो पैरा में जोड़ दो यार, सॉरी मेटा पोजिशन में बीआर जोड़ दो, समझ में आ रहे बच्चे जी, हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे अगर सीओ चाहिए तो मेटा क्वेश्चन, बट यहाँ तो नहीं आएगा ना, यहाँ तो OH क्या है स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड है ना, हाँ तो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड के ऑर्थो एंड पैरा में जाता है, तो ये तीन चॉइस बचे यहाँ, बट OH और सीओ के बीच में नहीं करना, क्योंकि एस्टेरिक ग्राउंड के अंदर बीच होता है, अब यहाँ पे सीओ का माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे OH का माइनस आई लग रहा है, तो OH का माइनस आई कम होता है दर्शन करेंगे यहाँ पे,
हाँ बच्चे क्या यार, ये तो देखकर डर लग जाएगा यार कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है बच्चे, सिंपल दिख रहा है, इट इज अमाइड फॉर्मेशन, इट इज अमाइड फॉर्मेशन रिएक्शन। देखो सिर्फ देखने में डर लग रहा है, रियल में कुछ है नहीं इसमें। ठीक है देखो क्या होगा, ऐसा है बच्चे जी, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, लोन पर है, तो इस पर अटैक करेगा, एससीएल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो फिर बच्चे दोबारा एक और यहाँ एच एस सी एल निकल जाएगा, फिर से लोन पर है, इसमें ये अटैक करेगा और एससीएल निकल जाएगा। तो क्या होगा जी, एक रिंग ए हो गया, और बच्चे यहाँ पे बच्चे जी नाइट्रोजन जुड़ जाएगा दोनों तरफ से, मतलब इसको नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, इस पे जो अल्काइल ग्रुप रहेगा, देयर इज नो रिअरेंजमेंट हियर, कोई रिअरेंजमेंट नहीं होगा, जैसा वैसे ही रहेगा। तो सी द राइट आंसर, ए जैसा वैसा जुड़ गया, नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन है, तो एक बार नाइट्रोजन अटैक किया HCl को निकाला, दूसरे बार नाइट्रोजन अटैक किया HCl को निकाला, और बच्चे ए जैसा अल्काइल ग्रुप है वैसे ही बच्चे जुड़ा रहेगा। तो सी इज द राइट आंसर, मतलब देखने में डर लगेगा, अरे यार चार्ज भी हो गरीब हो रहा है, बट है सिंपल बच्चे, समझ में आया बच्चे जी, दो स्टेप में होगा, दो बार में रिएक्शन कराओ बच्चे। अरे क्या किया देखो, यहाँ पे रिअरेंजमेंट करा दिया, यहाँ पे रिअरेंजमेंट करा दिया, यहाँ क्यों रिअरेंजमेंट, देयर इज नो रिअरेंजमेंट, किताबों का टाइम तो बन ही गया है ना, तो रिअरेंजमेंट कैसे। द रिएक्शन ऑफ बाइफिनाइल विथ HOCl इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्गर एसिड मेजर बच्चे जी, देखो ना HOCl मतलब क्या बनेगा, वाटर प्लस Cl प्लस, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Cl को जोड़ना है, बताओ बेंजीन का क्या होगा, ऑर्थो एन पैरा पे, दो तो जोड़ते ही नहीं है, एक ही जोड़ते हैं, तो ये क्या है ऑर्थो पे है, एस्टेरिक क्राउडिंग, ऑर्थो पे मेजर नहीं होता है, मेटा तो होगा ही नहीं, दो जोड़ होगा इनके पास, बच गया यार सी। सर वो ऑप्शन डी दिया था इसलिए डाउट था। अच्छा डी दिया था क्या, हाँ सर आंसर के में डी है, मतलब डी दिया सर, सी चाहिए ना, हाँ मतलब ये रिएक्शन हम दो बार नहीं कराते, अगर दो बार करके देखो ऐसा नहीं है कि सीएल जुड़ गया तो क्या कर दिया, रिंग को एक्टिवेट कर दिया, सीएल एक्टिवेटिंग तो है नहीं, सीएल क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट डी एक्टिवेटिंग, क्या हो जाए सीएल इज लोन पेयर है इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट इट इज डी एक्टिवेटिंग, तो हैलोजन आर डी एक्टिवेटिंग, ध्यान रखो, तो ऐसा नहीं कि इसको डी एक्टिवेट कर दिया इसलिए दो बार हो गया, तो ऐसा कुछ दो बार होना नहीं चाहिए, सी विल बी द राइट आंसर। हाँ मतलब हैलोजनेशन जो होता है ना मोर देन वन टाइम्स एक्टिवेटेड रिंग में होता है, स्पेशली जब अगर फिनॉल होगा, ठीक है ना, एनिलीन होगा, तो अच्छा यहाँ पे पॉली हैलोजनेशन होता है, ट्राई ब्रोमो टाइप ट्राई क्लोरो बन जाता है, बट ऐसा यहाँ पे रिंग एक्टिवेटेड रहा नहीं सीएल जोड़ने का, तो फर्दर रिएक्शन बच्चे नहीं होता है, तो सी विल बी राइट आंसर नॉट डी, ठीक है ना। हाँ सर डी, हाँ तो चेंज कर लो ना, सी हो जाएगा, क्योंकि हम डाई कराने का कोई प्रोसेस होना चाहिए ना, कुछ रीजन तो होना चाहिए कराने के लिए, ठीक है बच्चे। चलो बच्चे मतलब रिंग अगर हाँ सी विल राइट आंसर, अगर रिंग एक्टिवेटेड हो ना तो रिएक्शन दोबारा होता है, अगर एक्टिवेटेड हो तो हैलोजन को जुड़ने से ना क्लोरोबेंजीन इज नॉट एक्टिवेटेड रिंग, इट इज डी एक्टिवेटेड रिंग, एक्टिवेटेड नहीं होता बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हम लोग बात करें, ऑर्थो पैरा रेशियो ना ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो ठीक था बच्चे नहीं चलिए, नियरली वन व्हेन द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन, नियरली व्हेन द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन। अब अल्काइल ग्रुप बच्चे बेंजीन से जुड़ा, देखो ना ऑर्थो पैरा रेशियो, देखो ये सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, अब क्या होगा कि इस यहां भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे और क्या होगा यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे, जोड़ोगे ना यार, इसको क्या बोलोगे ऑर्थो, इसको जोड़ोगे पैरा, अब इसमें क्या होगा ऑर्थो ज्यादा होगा या पैरा ज्यादा होगा बोलो, पैरा क्यों, ये तो प्लस आई इफेक्ट है ना यार, और बहुत बल्कि तो है नहीं, ठीक है तो यहाँ पे बच्चे जी अगर हमने जोड़ दिया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा ऑर्थो ज्यादा होगा या पैरा,
बोलो तो पैरा पैरा होगा चीज सिंस ये बहुत ही बल्की है टर्सिबिटाइल तो पैरा ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप बल्कीनेस बढ़ाते जाओगे क्या हो जाएगा पैरा वाला बढ़ता जाएगा तो पैरा डायरेक्टर ज्यादा बनता है। हाँ तो ऑर्थो भाई पैरा के रेशियो चाहिए बताओ तो किसमें चाहिए ऑर्थो भाई पैरा रेशियो ज्यादा होगा बोलो तो सी एच थ्री में क्योंकि इसमें क्या होगा देखो इसमें क्या हो रहा है ऑर्थो इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो में क्या होगा आगे आप जैसे सी एच थ्री से आगे तरफ जा रहे हो ऑर्थो भाई पैरा रेशियो देखो जब इधर से जाओगे जब देखो ना उतना ही पैरा में बनेगा। हाँ देखो मिथाइल जब नीचे की तरफ जा रहे हो ना मिथाइल बढ़ाते जा रहे हो नंबर मिथाइल तो नंबर ऑफ मिथाइल बढ़ाने से क्या हो रहा है ऑर्थो डिक्रीज कर रहा है और पैरा बोलो इंक्रीज कर रहा है increase. तो ऑर्थो डिक्रीज करेगा और पैरा इंक्रीज करेगा तो ओ बाई पी रेशियो क्या होगा बताओ ओ बाई पी रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज करेगा ना यार इधर से हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा ऑर्थो बहुत कम हो गया पैरा बहुत ज्यादा हो गया तो सबसे कम तो हो गया इसी का ना डी का यार Got it? और यहाँ क्या होगा और तो ज्यादा होगा पैरा कम होगा तो राइट अब इसमें कम क्या हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट रेशन ऑफ अल्काइल अभी पूछा नहीं है कि किसका ज्यादा है इससे कम अगर इसका वजह सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा समझ आया बच्चा जी और तो भाई पैरा रेशियो से हाँ सर पर सर इसका भी आंसर भी दिया होगा बट ये तो पहले क्वेश्चन ही नहीं क्लियर किया कि हाईएस्ट चाहिए लोएस्ट चाहिए सर वन किसका होगा पूछता है ना तो अरे हाँ अरे 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 अच्छा नियरली वन अब देखो नियरली वन कोई अब थोड़ा कैलकुलेट कर रहा है जो है ठीक है अब देखो अब सर थोड़ा बहुत कम होगा ये थोड़ा गेस वर्क है हाँ एक का बच्चा जी नहीं कम नहीं ज्यादा होगा सबसे कम होगा हाँ एक का मतलब ग्रेटर देन वन होगा क्योंकि ए में बच्चे जी ऑर्थो मेजर होता है ऑर्थो मेजर होगा मतलब क्या होगा ज्यादा होगा बीच में रहेगा बीच में बी का भी बीच में रहेगा और सी का भी बीच में रहेगा और डी का बच्चा जी सबसे लीस्ट हो जाएगा लेस देन वन ठीक है। अब बी और सी में थोड़ा तुक्का लगाकर बोल लोगे बी होगा जो है तुक्का नहीं मतलब ज्यादा बल्कि हो रहा है इसलिए हां सुन पारा ज्यादा हां समझ आ गया अभी कम पे डेंस होगा चलो बच्चे जी वेरी गुड अच्छा नियरली वन दिया था मुझे ये ए नहीं दिया था पर तो फिर डी है ना Cl2Fe एंड ठीक तो है बच्चे क्लोरिनेशन करा दो फिर बच्चे वाटर ऐड कर दो और इसको हटा दो ये बच्चे देखो इसका काम क्या है डीसल्फोनेशन SO3 को रिमूव कर देना और इसका काम है क्लोरिनेशन तो कहाँ कराओ क्लोरिनेशन तो बच्चे एक डीएक्टिवेटेड है और एक ऑर्थोपार डायरेक्टिंग है तो भाई ऑर्थोपार डायरेक्टिंग के अनुसार से बनता है ना यार देखो ये मेटा डायरेक्टिंग है ये ऑर्थोपार डायरेक्टिंग तो बच्चे हम क्या बोले ऑर्थोपार के अनुसार से तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा CN जुड़ जाएगा और बाद में जब ए नेक्स्ट प्रोडक्ट डालोगे तो SO3 खत्म हो जाएगा यहाँ पे एच हो जाएगा तो राइट आंसर इज गॉट इट यस डी सल्फोनेशन होगा ना वार्म वाटर ले लो या स्टीम ले लो हीट ले लो तो डी सल्फोनेशन हो जाता हो गया आपका चलो अच्छा जी एक बच्चा कोई और पूछा है जी हाँ केविन अगर आप एक्टिव हो गए तो बोलना आई विल डिस्कस योर डाउट द फॉलोइंग ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू द बेंजीन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन इन विच क्या बोला द फॉलोइंग ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन इन विच ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ठीक है ना प्लस एम इफेक्ट ये तो सिंपल है जिसका ज्यादा प्लस एम है देख रहे हो नाइट्रोजन गैस प्लस एम ज्यादा होता है से कम होता है यहाँ भी प्लस एम है यहाँ भी प्लस एम है यहाँ प्लस एच है और यहाँ पे माइनस आई देखना हैलोजन माइनस आई से देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बी ए सी डी तो बी सबसे मैक्सिमम हो गया ठीक है अच्छा समझ में आया जो भी पूछा बच्चा जी विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर गो क्लोरिनेशन फास्टेस्ट रेट ये भी एक्टिवेटिंग पावर बच्चा जी जिसका प्लस एम ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्टिवेटेड है मतलब एक्टिवेशन के आधार पे बच्चे तो कौन बच्चे एक्टिवेटेड बच्चे बताओ जी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन बच्चे जी ए सबसे ज्यादा है फिर बच्चे ए है फिर बच्चे ए है फिर सबसे लास्ट में वो बच्चे तो फास्टेस्ट रेट से कौन जाएगा बच्चे जी डी वाला बच्चे जी
समझ में आ रहा है जी, जिसने पूछा है जी, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफाइल सब्सट्रेट रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन विल बी, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट यार? तो बच्चे ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आप कहाँ भेजोगे बच्चे? तो बच्चे इसमें लोन पर है कि नहीं, तो इसको समझो कि बेंजीन रिंग की तरह। तो बच्चे बेंजीन में अगर लोन पर ग्रुप हो तो क्या होता है, अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ए हो गया अर्थो पोजिशन, ए हो गया बच्चे, ए हो गया बच्चे मेटा पोजिशन, और पैरा इसमें है ही नहीं। तो थोड़ा एक इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और है, बट एक टेक्निक है बच्चे। तो क्या जोड़ोगे, ऑर्थो का जोड़ दोगे यार, तो राइट आंसर इज ए, एक टेक्निक जो सर ने करवाया था अलग से एग्जांपल ही करनी। यस एम ब्रोमोटोलिन इज प्रिपेयर्ड बाय, एम ब्रोमोटोलिन चाहिए, सी एच थ्री है, बी आर है। देखो पहले अगर सी एच जोड़ दिए तभी बच्चे बी आर कहां पे आएगा, ऑर्थो पैरा पे, पहले बी आर जोड़ दिए तभी सी एच थ्री ऑर्थो पैरा पे आएगा, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो बच्चे फर्स्ट खत्म, फील्ड ऑफ रिएक्शन करा दिए, अब बच्चे ये भी खत्म, क्योंकि मिथाइल जोड़ गया तो ये ऑर्थो पैरा जाएगा। बच्चे ब्रोमिनेशन ऑफ नाइट्रो बेंजीन एंड सब्सिक्वेंट रिएक्शन ऑफ एनोटो रिएक्शन, बच्चे इसका कोई मतलब नहीं है। देखो ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटो पैरा टोल्यूइन, एसिटो पैरा टोल्यूइन, व्हाट इज एसिटो पैरा टोल्यूइन, देख लो ए सी एच थ्री है और ए बच्चे है एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, इसका नाम है पारा टोल्यूडीन, एसीटो, दिस इज एसीटो, दिस इज टोल्यूडीन, तो एसीटो पारा टोल्यूडीन। तो पहले यही पता नहीं होता है, इतनी दिक्कत हो जाती है। अब इसका जब प्रोमिशन कराओगे तो क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा, बट कौन स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड है, विच इज स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड, नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पे प्लस एच है और यहाँ पे प्लस एम है, तो इसके ऑर्थो एंड पैरा बचे, तो बच्चे हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, इसके ऑर्थो पैरा तो ऑक्युपाई है, तो यहाँ पे हम ब्रोमीन जोड़ देंगे। अब क्या करो, फ्लोट बाई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ए वाली कंपाउंड बन जाएगा, सी एच थ्री, यहाँ पे बी आर आ गया और बच्चे यहाँ पे NH2 आ गया। फिर बच्चे क्या करो, डी एमिनेशन, तो डीमेशन कैसे करते हैं याद करो, डायजोनियम सॉल्ट बना लो, पढ़े हो ना रिएक्शन है NaNO2 HCl, तो डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, फिर बच्चे बाद में इस पे H3PO2 डाल देना तो बच्चे बेंजीन बन जाएगा बच्चे, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, CH3 और BR बन जाएगा। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है बच्चे जिसने पूछा है? हाँ सर समझ में। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, चलो नहीं आया तो बोलना है, मतलब इसमें पहले हमने ब्रोमिनेशन कराया, फिर बच्चे हमने हाइड्रोलिसिस किया, फिर बच्चे हमने डी एमिनेशन किया, और डी एमिनेशन का जो रिएजेंट है बच्चे जी, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, क्या बच्चे जी रिएजेंट, तो एनिलीन को हटाने का मेथड है NaNH2 डालो HCl, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, फिर बच्चे एच थ्री प्यूरो डाल दो तो वहां पे एच आकर डूब जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चे जी मेटा डायरेक्टिंग, शिखर बच्चे कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बच्चे जी मेटा डायरेक्ट होता है ना, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए क्या चाहिए, एक्टिविटी, लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए या प्लस आई होना चाहिए सिर्फ, या प्लस एच होना चाहिए या डबल वन होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन दे उसको, तो और COH ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता नहीं, लेता है उसका माइनस एम है माइनस आई, तो किसी के पास माइनस आई इफेक्ट हो जाए सिर्फ या माइनस एम हो जाए तो बच्चे मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग बात करेंगे, बच्चे इसमें कौन सा है, 22 23 या दोनों, दोनों है, चलो बच्चे देख लो यहाँ पे ए बी आर टू और एच डी ओ एच डाल दो तो क्या होगा बच्चे जी, ब्रोमीन, ऑर्थो पैरा, बच्चे ध्यान रखना ऑर्थो पैरा ही नहीं बच्चे, इतने एक्टिवेटेड है ना कि हर जगह जोड़ देना बच्चे, तो यहाँ भी ब्रोमीन आएगा, यहाँ भी ब्रोमीन आएगा और यहाँ भी ब्रोमीन आएगा। ठीक है, अब एन देख रहा है, NaNO2 क्या बना देगा इसको, डायजोनियम सॉल्ट बना देगा, एन टू प्लस और सी एल माइनस, और ये जब एच बी एफ फोर डालोगे ना हीट करोगे तो बच्चे एन टू को हटाकर यहाँ पे एफ आ जाता है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा बच्चे जी, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 1 फ्लोरोबेंजीन डी बन जाएगा। तो इस हर मतलब ये आपको याद करनी पड़ेगी कि एच बी एफ फोर का रोल क्या है, तो याद होना चाहिए कि डायजोनियम सॉल्ट पे जब हम एच बी एफ फोर डालते हैं तो उस पर एफ आके जुड़ता है, NaNO2 का रोल क्या बच्चे जी, तो एनिलीन को बच्चे कन्वर्ट करता है डायजोनियम सॉल्ट, बी आर टू वाटर का रोल क्या बच्चे जी, तो एनिलीन में हर जगह मतलब ये चीजें याद होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो। यहाँ देखो बच्चे, अब ए रिंग डी एक्टिवेटेड है, ए रिंग एक्टिवेटेड है,
तो NO2 BF4- क्या होगा, NO2 plus electrophile, तो इसके ortho and para पे, since बच्चे steric crowded है तो ortho पे नहीं जोड़ के आपको para पे जोड़ना है, major product is C, बनेगा दोनों B and C, but major product is C, C, ठीक है बच्चे जी, समझ गए बच्चे? सर आप 22 में बता सकते हैं कि NaNO2 के बाद क्या कंपाउंड बनेगा? यस, NaNO2 क्या करता है बच्चे जी? ये जो एनिलीन है ना, उसको बच्चे जी N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट करता है। मतलब एनिलीन को NH2 को बच्चे जी N2, इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने का। और इस पे जब डालोगे HBF4 तो क्या कर देगा बच्चे जी, सिर्फ N2 को हटाकर F जोड़ देगा। एक बी आर टू वन इक्वल देखो ना, देखिए जी ए रिंग क्या है, इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, ए रिंग डीएक्टिवेटेड हो गया क्योंकि माइनस सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, ये क्या आ गया प्लस सेम हो गया, तो क्या कर दिया एक्टिवेट कर दिया, तो एक रिंग डीएक्टिवेटेड है और एक रिंग बचे एक्टिवेटेड, तो बी आर टू एफ जब डालोगे तो एक्टिवेटेड रिंग में रिएक्शन होगा या डीएक्टिवेटेड, तो एक्टिवेटेड रिंग तो इसमें होगा और तो एन पैरा पे होगा और पैरा विल बी द मेजर, तो देख लो सी बी आर पैरा पे जुड़ा हुआ है, ये तो रिंग ही अलग कर दिया, तो रिंग अलग नहीं होता बच्चे, और ये तो ए डीएक्टिवेटेड में जुड़ा है बच्चे, ए भी डीएक्टिवेटेड में जुड़ा है, तो एक्टिवेटेड रिंग में जोड़ना है पैरा पे बच्चे, गॉट इट? कैसे डिसाइड हुआ बच्चे? प्लस एम जुड़ा हुआ ना इसलिए, इसका माइनस एम जुड़ा हुआ, तो माइनस एम जोड़ने से डी एक्टिवेट हो गया, प्लस एम जोड़ने से, क्लियर बच्चे? Which of the following compound can be classified as aromatic? तो मुझे वो azulene और tan aniline वाला structure पता नहीं था। तो ठीक है ना, aniline क्या होता है? Consecutive pi bond होना चाहिए उसको, aniline बोलते हैं। ये देखो, sorry. Alternate pi bond होना चाहिए, 10 pi electron, 1, 2. 3, 4, 5 देख लो, ये हो गया टेन एनोलिन, तो यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैग पोल रिपल्सर होता है, इसलिए और एजुलिन तो बहुत फेमस है, 7 मेंबर रिंग होता है एक, और बच्चे एक 5 मेंबर रिंग होता है, ये है बच्चे, ये है एजुलिन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देख लो, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, जब यहाँ पे एक रिंग आ गया ना तो जो रिपल्सन था वो रिपल्सन खत्म हो गया, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये प्लेन में आ गया, तो एरोमेटिक हो गया, अब देखो इसमें क्या डिसाइड करना है जी, कौन रिंग एक्टिवेटेड है उसमें रिएक्शन होगा, देखो यहां से क्या होगा, ये तो NO2 जोड़ना है बच्चे, यहां से NO2 प्लस, बट किसमें जोड़ोगे, तो जो रिंग एक्टिवेटेड है उसमें जोड़ोगे बच्चे, देख रहे हो यहां पे इस रिंग में क्या हो गया, CH3 का प्लस H लग रहा है बट CO का माइनस M लग रहा है, तो ये क्या बन गया, डीएक्टिवेटेड, यहां पे क्या लग रहा है, इसका प्लस M लग रहा है, तो ये रिंग क्या हो गया एक्टिवेटेड, तो इस रिंग में करना है, तो ऑर्थो पे एंड पैरा पे मेजर कौन होगा, पैरा, दिस इज मेजर, तो देख लो कौन है, बी, मतलब जब भी कुछ ग्रुप जुड़ा होना तो पहले आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा रिंग एक्टिवेटेड है और डीएक्टिवेटेड, और रिएक्शन हमेशा एक्टिवेटेड रिंग में करा, और प्लस एम वाला ग्रुप है तो उसके अर्थ हो एक तरह बी आंसर दिया है, बी दिया नहीं, नहीं बी दिया तो गलत दिया यार, बी पॉसिबल है क्योंकि ये रिंग डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड रिंग पे और वो भी बचे अर्थों पे, ये कैसे पॉसिबल है, ये समझ रहे हो, ये डीएक्टिवेटेड रिंग है उसके अर्थों पे तो कोई जाता ही नहीं, अगर कराना भी होता ना तो आप यहां पे कराते, थोड़ा चलता, जैसे ए A इज मोर देन B, ये ज्यादा होगा B से क्योंकि ये सी एच थ्री के अर्थों में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बट B तो कभी पॉसिबल ही नहीं, गॉट इट, तो
मतलब ये रिंग डी एक्टिवेटेड होंगे ना, डी एक्टिवेटेड रिंग में सोचना ही नहीं, क्यों सोचेंगे, दिस रिंग इज डी एक्टिवेटेड बिकॉज़ माइनस एम डी में, और माइनस एम प्लस ऐसे क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होता है, तो दिस रिंग इज डी एक्टिवेटेड और दिस रिंग इज एक्टिवेटेड, तो हमेशा हम एक्टिवेटेड रिंग में सोचेंगे, डी एक्टिवेटेड रिंग में नहीं सोचेंगे, ये ध्यान रखना। तो डी इज द राइट आंसर, अगर आंसर बी दिया हुआ तो गलत दिया हुआ, ठीक है बच्चे, चलो गुड। हो गया ये सोचे जी, नेक्स्ट सोचे जी, अब यार कोई हाई करो यार, हाँ किसी ने भेजा था ना मॉड्यूल यार सर, हाँ मॉड्यूल कर ले अब सर, अभी मॉड्यूल के लो ना डाउट, हाँ मॉड्यूल का डाउट लेते हो फिर बिल्कुल मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, कुछ भी करना जरूरी है सर, मैंने आपको तीन डाउट भेजे अभी, हाँ तो पहले अब मॉड्यूल करेंगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, तो मॉड्यूल के ही है तीनों, तीनों मॉड्यूल के ही है, ठीक है देखो ऐसे अभी जो एक और अभी जो डाउट डिस्कस कर रहे थे ना वो भी मॉड्यूल का ही था, इनडायरेक्टली बच्चे मॉड्यूल ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है चलो ये डाउट है बच्चे जी, देखो इनडायरेक्टली देखो, अब क्वेश्चंस क्वेश्चन है यार, कहीं से भी क्वेश्चंस होना चाहिए आपको, आना चाहिए ठीक है ना, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द कार्बन डाइसल्फाइड लो टेंपरेचर, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्चुअली क्या है ना ये रिएक्शन सब फिनॉल का, हो सकता है सर ने नहीं बताया हो, बट ये आगे फिनॉल एलिनिन बताया जाता है, देखिए याद कर लो, अगर बच्चे OH डाल दियो फिनॉल है और इसमें अगर आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया तो बोलो प्रोडक्ट क्या होगा, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, ट्राई ब्रोमो, अगर बच्चे आपने ले लिया बच्चे जी CH2 मतलब दिस इज कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट, ये हो गया ए प्रोटिक सॉल्वेंट, CH2 इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट, CCl4 ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें से कुछ भी ले लिया, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड लिया हुआ है तो क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट क्या बनता है, ओनली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट, ऑर्थो एंड पैरा, और मेजर क्या होता है बच्चे जी, पैरा, दिस इज मेजर, ठीक है ना, एक कांसेप्ट है, दूसरा कांसेप्ट है एनिलीन का, क्या कांसेप्ट एनिलीन का, अगर इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दो या इसमें आप ब्रोमीन CH2 डाल दो या CCl4 डाल दो, दोनों ही कंडीशन बच्चे जी हमेशा ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, रीजन क्या बच्चे जी, ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग है ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, यहाँ पे बच्चे जी CH2 में कुछ और बन जाता है, Br2 में कुछ और बन जाता है वाटर में, बट NH2 में बच्चे जी हमेशा ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, तो क्या क्या होगा आंसर, इसका बी इज द राइट आंसर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट, गॉट इट, हाँ नहीं ट्राई वाला तो बनता नहीं है, ठीक है, और मेजर अगर पूछेगा बच्चे जी तो मेजर कौन होगा, सी पैरा ब्रोमोफिनॉल, हाँ बच्चे जी चलो नेक्स्ट बच्चे जी, द रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट of hydrogen atom in benzene of alkyl group can be brought about with the following reagent, क्या करना बच्चे जी, मतलब ये बोला ना यार, दो इसको घुमा के बोला बच्चे, the replacement of hydrogen मतलब यार substitution reaction करा, electrophilic substitution, देखो इतना जो statement लिखा है ना simple से, मैंने बोल रहा है कि electrophilic substitution reaction, तो कब करा बच्चे जी, alkyl chloride और AlCl3 बोलो होगा कि नहीं, yes alkene और AlCl3 नहीं, रियल बच्चे रियल में इसमें भी हो जाता है बट अभी के लिए करा दो नहीं, बट यहाँ भी होता है रिएक्शन, ठीक है, बट कैसे होगा सर, पर वो होता है एल्केनॉल एंड अल्कली, ये नहीं होता है कभी, एल्केनॉल एल्केनॉल और एसिड ये भी होता है बच्चे जी, तो रियल बच्चे जी ए ए बी सी डी दिन हो जाएगा, अगर सिंगल करेक्टर सिर्फ आंसर ये देना बच्चे, आंसर गलत दिया यार, यही आंसर दिया, देखो आंसर देखो, द रिएक्शन इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन बाय अल्काइल, अच्छा ए बाय अल्काइल को बोल रहे हैं ना, तो ठीक तो है ये होता है बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, यही तो है ना फ्रीडलक्राफ्ट एल्केलेशन है यार, इसी का नाम है, यही आया था आंसर, शायद सी दिया हुआ, सी दिया हुआ है, ऐसे कैसे सर, अगर ये वो असाइनमेंट एक सर नहीं है तो उसका तो उसमें काफी गलत है, हाँ पता नहीं, देखो उससे मतलब नहीं है, तुम ये समझो ना फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नाम ही है एल्काइलेशन, और क्या उसे एल्काइलेशन ही नहीं करा सकते हो, अल्काइल ग्रुप जोड़ना है बच्चे जी, तो ये फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ही है, तो ये क्यों गलत हो जाए, ठीक है ना,
और इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं, तो मल्टी कलर होता है आंसर इज एबीडी, सिंगल कलर होता है सिर्फ ए लिख छोड़ते हैं। अगर असाइनमेंट से आप देखो, अगर आपने गलत असाइनमेंट से भेजे हो तो पता नहीं, तुम समझ गए ना, ठीक है। तो अल्कोहल से भी बनाते हैं बच्चे जी, अल्काइल से और एल्कीन से भी बनाते हैं, दोनों से बनाया जाता है। चलो जी, सल्फोनिक एसिड कैन नॉट बी एसाइलेटेड बाय ट्रीटिंग विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। सल्फोनिक एसिड कैन नॉट बी एसाइलेटेड बाय ट्रीटिंग विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसाइलेटेड बाय द ट्रीटिंग, हाँ बच्चे नहीं कर सकता ना, सल्फेनिक एसिड, सल्फा एनिलिक एसिड है बच्चे, ये क्या होता जी, एनिलीन भी है और ये भी है, ट्यूटर है, बिल्कुल बच्चे जी, सेकेंड एक्सपेरिमेंट तो सही है बच्चे जी। अब इसमें ये अच्छा कुछ होगा आपका बच्चे, वहां से देखना होगा क्या है, कौन सा क्या स्टेटमेंट है, तो देखना बच्चे वहां से, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है बच्चे जी, ठीक है ना। And what was the first statement? Assertion ki matlab kya hai? Cannot be isolated by treating the acetic anhydride, but salt is. Sir, puri reaction likh ke dikha sakte ho. A wala. हाँ, देख लो जी. Sulfuric acid cannot be isolated by the treating with the acetic anhydride. ये देखो जी, ऐसा होता है. ये SO3H है और ये NH2 है. ठीक है ना? तो इसको अगर आप, ये ऐसे रहेगा ही नहीं, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, बोलो एसओ माइनस और एनएच फोर प्लस, ठीक है ना, सॉरी एनएच फोर नहीं एनएच थ्री प्लस। अब बच्चे जी क्या है, ये तो क्या हो गया, ये भी डीएक्टिवेटेड है, यहाँ पे डीएक्टिवेटेड है ओवरऑल, ठीक है ना, तो डीएक्टिवेटेड, तो यहाँ पे बच्चे डीएक्टिवेटेड रिंग में एसाइलेशन तो होता ही नहीं, कुछ एसाइलेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब बोल रहा कि बट इसका सॉल्ट जो है विथ बेस, सॉल्ट विथ बेस कैन बी एसिलेटेड, यस। अब सॉल्ट विथ बेस करोगे ना तो क्या होगा जी, ये तो बच्चे इसका सॉल्ट बन जाएगा एसिड का, और क्या बन जाएगा ये SO3, मतलब SO3 O- Na+, और बच्चे NH2 रहेगा बेसिक मीडियम, और अगर ये रहेगा ना तो बच्चे एसाइलेशन हो जाएगा, और बेंजीन रिंग पे नहीं होता है, कहाँ पे एसाइलेशन होता है बच्चे जी, नाइट्रोजन पे एसाइलेशन होता है, ध्यान रखना, ऐसा ये अटैक करेगा इस पे और ये निकल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा जो सेकेंड पार्ट है उसका प्रोडक्ट बनता है, इसका बच्चे प्रोडक्ट होगा SO3 माइनस Na प्लस, और यहाँ पे बच्चे जी क्या होगा NH, और बच्चे C डबल बॉन्ड हो CH, बेंजीन रिंग पे नहीं होगा बच्चे, बेंजीन रिंग पे नहीं, ये हो गया एसाइलेशन। और दूसरा क्या है, ज्यूटर आयन बच्चे, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, व्हाट इज ज्यूटर आयन, कटायन अनायन दोनों हो एक ही में, जो उसको ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, अब उसके आगे क्या है वो देख के बोलना बच्चे कौन सा स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बच्चे जी, ठीक है, यहाँ पे क्या करो बच्चे जी, NBA डालो तो क्या होगा, NBA से बच्चे यहाँ पे ब्रोमीन मिल जाएगा, ब्रोमीन MgE2 से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, MgBr, इथाइलिन ऑक्साइड, व्हाट इज इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड, दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड, क्या होगा, एक तरफ से रिएक्शन करेगा, इसको तोड़ देगा, ठीक है। अब इथाइलिन ऑक्साइड क्या है नहीं पता है, ठीक है ना, तो बच्चे जुड़ जाएगा, तो पीएच CH2 एच प्लस लिए हो ना, तो OH बन जाएगा, ये हुआ फन, ठीक है बच्चे, चलो गुड। हो गया बच्चे, चलो तो बच्चे अब मॉड्यूल से डाउट है, मैं अब मॉड्यूल ही ओपन करते हैं, मॉड्यूल ही ओपन करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो
कितना बचे पेज नंबर ही है ना 130 के आसपास 120 से राउट्स असाइनमेंट 1 से मुझे याद आ रहा है कि पिछले लेक्चर में असाइनमेंट डिस्कस किया था सर लेक्चर आपने यही किया हां तो अब होगा क्या देखो अच्छा। मैं नहीं था लास्ट टाइम मैं फिर अलग से पूछूंगा हां अगर क्या है ना कि अगर आप लोग एक साथ नहीं कर रहे हो तो सेम क्वेश्चंस बार-बार पूछोगे तो वो मतलब नहीं हो अलग से पूछो बच्चे ठीक है ना ठीक है सर नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा मैं अलग से पूछूंगा Yes. क्योंकि मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे कि सारे बच्चे हैं तो एक ही क्वेश्चन अगर बार बार पूछ रहे हो तो इट इज टाइम वेस्टेज फॉर अदर स्टूडेंट बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर में मुझे याद है कि मैंने असाइनमेंट 1 कुछ डिस्कस किया था बच्चे कहां तक डिस्कस किया था किसी को कुछ याद है रिक्वेस्ट टू आईआईटी जेईई से करना सर आईआईटी जेईई से करना आईआईटी जेईई बाकी का यस ठीक है ना और देखो टीचर अगर दे रहा है कि असाइनमेंट कर लो तो फटाफट कर लो और इजी है ऐसा नहीं कि कंपाउंड तो ग्रुप डिस्कशन में मतलब एक साथ चलना जरूरी है होम असाइनमेंट 3 शायद हो गया था क्या सर हाँ सर चलो गेट गुड सैम बोलो बच्चे जी क्वेश्चन बोलो इसमें जो ये तो पूछ लो थर्ड क्या है थर्ड क्या है CH3X CH3Cl ठीक है ना तो क्या करोगे कि सीएल जुड़ेगा यार ठीक है तो बहुत सारे रिएजेंट है बच्चे देख लो ना हाँ बस क्या है बच्चे देखो यहाँ पे जोड़ना है ना तो मैं रिएजेंट का अभी तो बताया था लिस्ट बता दिया था क्या क्या बस हाँ एक करवा दिया था यार मुझे याद आ रहा है बच्चे SO2Cl2 पोर ऑक्साइड के प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल बच्चे ठीक है ना एक करवा दिया था सर एट बच्चे जी ये देखो ए कंपाउंड रिवर्सिबली विद अनदर टू गिव टू प्रोडक्ट दैट आर आइसोमेरिक आइसोमर्स एक्स इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन आइसोमर्स वाई बट वाई इज फॉर्म मच फास्टर व्हाट वुड बी द रिएक्शन प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ आफ्टर रिएक्शन दैट वन सॉर्ट एंड ये क्या बोल रहे भाई द कंपाउंड रिएक्ट रिवर्सिबली अनदर गिव टू प्रोडक्ट दैट इज आइसोमेरिक मतलब दो बन रहा है आइसोमेरिक प्रोडक्ट दो बन रहा है एक्स इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल एक्स क्या है थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है मतलब एक्स इज टीसीपी एक्स क्या है टीसीपी है ठीक है एंड मोर स्टेबल देन वाई और वाई स्टेबल नहीं हो जाए बट वाई इज फॉर्म फास्टर मतलब इसके इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो गए तो वाई क्या हो गया केसीपी हो गया दिस इज केसीपी जो फास्टर बनता है उसको केसी बोलते हैं जो स्टेबल बनता है उसको थर्मोडायनामिकली कंट्रोल बोलते हैं व्हाट विल द रिएक्शन प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ आफ्टर रिएक्शन टाइम्स दैट वेयर शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग अच्छा अगर रिएक्शन टाइम शॉर्ट हो देखो ये बोल रहा है बच्चे फर्स्ट दो टाइप में आंसर देना है शॉर्ट हो और वेरी लॉन्ग तो बच्चे शॉर्ट टाइम में बच्चे कौन बनेगा बताओ शॉर्ट टाइम में कौन बनेगा हाँ शॉर्ट टाइम बच्चे जी केसीपी बनेगा या टीसीपी बनेगा केसीपी या टीसीपी जो फास्टर बनेगा वो मेजर होगा या जो स्टेबल बनेगा वो मेजर होगा फास्टर होगा फास्टर वाला बच्चे जी केसीपी प्रोडक्ट ही मेजर शॉर्ट टाइम बच्चे जी केसीपी मेजर बच्चे और केसीपी है कौन वाई तो बच्चे वाई मेजर होगा बट लॉन्ग टाइम दूसरा क्या बच्चे जी लॉन्ग टाइम अगर लॉन्ग टाइम हो गया बच्चे जी तो क्या होगा जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा टीसीपी बनेगा दैट इज एक्स मेजर होगा बच्चे ठीक है ना तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे जी ठीक है चलो नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर मोर देन वन चॉइस में सर एक नाइन्थ में डाउट नाइन्थ में सी और डी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सी और डी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मतलब सर कौन सा फॉर्म होगा ये वाला अरे बाप ये तो सही है तो ये दोनों बच्चे जी कीटोइनोल है क्या है कीटोइनोल है तो बताओ कीटोइनोल में अगर एरोमेटिक बन रहा हो तो इनोल ज्यादा होता है या कीटो ज्यादा होता है बोलो समझ रहे हो मतलब एक कीटोइनोल है ना यार ये क्या हो गया एक कीटो फॉर्म हो गया और ये इनोल फॉर्म हो गया
ये हो गया कीटो फॉर्म, ये हो गया इनॉल फॉर्म, तो समझ आ गया ना कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन। वेरी गुड, बट ये अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोर देन वन। हाँ सर। बोलो अच्छा। फिफ्थ। फिफ्थ, which of the following statement is correct? Bromination of toluene occurs faster than that of benzene. Bromination of toluene occurs faster than of benzene. तो सही है, इसलिए दिक्कत क्या है? हाँ, bromination क्या होता है? Faster होगा ना toluene पे? Yes sir. क्योंकि plus H effect. Nitration of toluene is faster than of ethyl benzene. टॉल्यून इज फास्टर देन इथाइल बेंजीन, बिल्कुल सही है। बोलो क्यों? क्योंकि टॉल्यून में क्या होगा, सी एच थ्री ग्रुप होता है, उसका प्लस है ज्यादा है। इथाइल बेंजीन में क्या है, दो हाइड्रोजन है, देखो ना, टॉल्यून में थ्री हाइड्रोजन है और इथाइल बेंजीन में दो हाइड्रोजन है, तो प्लस एच होता है ना पावरफुल, तो कौन फास्टर होगा? टॉल्यून यार। सी, द ब्रोमिनेशन आयन, द ब्रोमिनियम आयन इज गुड न्यूक्लियोफाइल, तो ब्रोमीन आयन भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। जैसे हैलोजन में देखोगे हम ना, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ए न्यूक्लियोफिलिक का ऑर्डर होता है, यही लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है और यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी, ठीक है। तो ब्रोमीन आयन इज गुड न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है। इफेक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज नाइट्रेट आयन, नाइट्रेटिंग एजेंट इज नाइट्रेट आयन। अच्छा नाइट्रेट आयन तो नहीं होता है ना, नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है? H2SO4 and concentration H2SO4 और HNO3 होता है, नाइट्रेट आयन थोड़ा होता है नाइट्रेट आयन, तो ए बी सी डी सही होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? फाइव। हाँ सर। चलो गुड। सर पैसेज टाइप क्वेश्चन, पैसेज। हाँ ओके, कौन बच्चे पैसेज में? थर्ड। थर्ड, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट, ठीक है ना। एसाइलेशन कराना है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है, इसको तोड़ दो, कार्बोकैटायन बना दो और जोड़ दो बच्चे कहीं पे, ठीक है ना। तो ये हटा दो बच्चे जी, और प्रोडक्ट क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, किसी एक पे जोड़ दो यार, दोनों तो सेम ही है ना, एक जैसा है, तो बच्चे हम यहाँ पे भी जोड़ देंगे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस, दो चॉइस है ना यार, ए और ए, दूसरा बन जाएगा बच्चे जी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। हाँ गॉट इट बच्चे? यस सर। अब इससे भी बहुत सारे अंदर की बात है, टीसीपी केसीपी, ठीक है, अब उतना डिटेल से यहाँ पूछ नहीं रहा। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं केसीपी प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं टीसीपी प्रोडक्ट। तो अगर हीट नहीं की हो तो ये प्रोडक्ट होगा मेजर, हीट की हो तो बच्चे ये होगा मेजर, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। चलो, सो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट कौन सा बच्चे? फिफ्थ वाला। सर पैसेज टू का, पैसेज टू में फिफ्थ। पैसेज टू का फिफ्थ, ये वाला ना? इसका आंसर गलत दिया हुआ है। पीछे ये अभी तो मैं डिस्कस किया था, एक बच्चा मुझे डाउट पूछा यार, यही तो डाउट पूछा था। क्या है बच्चा ये? सर इसका गलत दिया। हाँ, ये रिंग डीएक्टिवेटेड है, ये रिंग एक्टिवेटेड है, तो इसमें करोगे आप तो बच्चे डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर था बी दिया था, तो बी नहीं होगा बच्चे, ठीक है। यस यस, और बोलो। और बोलो बच्चे। सर हो गया, सर वर्ड आउट हो गया बच्चे। चलो सर एक सब्जेक्टिव है सर। हाँ बोलो ना, कौन सा सब्जेक्टिव आ गया एंड में सर? यस, तो एक बार मैं मॉड्यूल डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आप इंडिविजुअल डाउट अपना पूछ सकते हो, ऐसे पहले भी इंडिविजुअल डाउट डिस्कस किया हूँ, तो उसके बाद
जिसका डाउट हो सकता है। हाँ कौन सा जी? आगे और आगे सर इसमें ही है सर। हाँ बच्चे ठीक है ये देखो राइट द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है बच्चे याद कर लो देखो अगर हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है क्या बच्चे जी डायजोनियम सॉल्ट है इस पर ढेर सारे रिएक्शन है जो आगे पढ़ाई जाएगी तो अगर CuBr ले लोगे और HBr ले लोगे तो क्या बन जाएगा इस पे Br जुड़ जाता है अगर इस पे CuCl जोड़ लिया HCl ले लिया HCl नहीं भी लोगे तब भी हो जाता है बट सपोर्ट के लिए लिया जाता है इस पे Cl जुड़ जाता है अगर इस पे CuCl ले लिया HCl ले लिया HCl सब नहीं भी लोगे तब भी चलेगा कॉपर सॉल्ट होना चाहिए तो अच्छा इस पे Cl जुड़ जाता है। इस तीनों को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पे सैंडमेयर रिएक्शन। फिर बच्चे जी इस पे Ki ले लो हीट कर दो तो क्या जुड़ जाएगा आयोडीन जुड़ जाएगा अगर इस पे आपने H3PO2 ले लो तो बेंजीन बन जाएगा अगर इस पे वाटर ले लो तो फिनोक्साइड बन जाएगा मतलब फिनॉल बन जाएगा ठीक है। अगर इस पे बच्चे जी और भी रेसिपी लिख देता हूँ अगर इस पे आपने ले लिया HBa4 ले लिया तो बोलो क्या बन जाएगा फ्लोरीन बन जाएगा। देख रहे हो इनडायरेक्टली इस पे सारे हेलोजन जोड़ सकते हो ठीक है ना। अगर इस पे आपने अल्कोहल ले लिया RCOH और H तो होता क्या बच्चे ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ से H यहाँ ट्रांसफर हो जाता है तो बच्चे यहाँ भी बेंजीन बन जाता है और जो अल्कोहल होगा वो ऑक्सीडाइज होकर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है ठीक है। तो ये इतने रिएक्शन है इसके जो बहुत काम का है तो कहीं ना कहीं घूम फिर के रिएक्शन आते रहेगा उसी में से बच्चे एक रिएक्शन है यहाँ पे देखो यहाँ क्या किया पहले NO2HBr लिया तो क्या बन जाएगा डायजोनियम सॉल्ट N2+Br-। बाद में कॉपर ब्रोमाइड ले लिया तो क्या हो जाएगा ये हट जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन मिल जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट बच्चे बोलो क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br सर में आए बच्चे। हाँ सर और बोलो बच्चे नेक्स्ट हो गया डाउट ओवर। चल तो अभी व्हाट्सएप पे आप इंडिविजुअल पूछ सकते हो अपना डाउट जो भी है ठीक है पूछ लो यार। अच्छा शिखर तुम्हारा डाउट डिस्कस करता हूँ ठीक है शिखर ठीक है सर। चलो तो अभी बच्चे जी देखो अब जिनका डाउट हो गया है अगर देखना है तो देख सकते हो नहीं तो आप लीव कर सकते हो क्योंकि अभी तो ऐसे डाउट तो देखने से ही सीखने को मिलता है। हाँ तो ये देख लो जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Yes. Which is the following electrophilic substitution reaction? तो देख रहा हूँ ये रिएक्शन मैं अभी लिखा आपको ये रिएक्शन मैं अभी आपको लिखा था CuCl और HCl इलेक्ट्रोफिलिक नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है N2 जाता है और Cl जुड़ता है मतलब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। OH2 में बच्चे Br देख रहे हो यस Br है ना यार ब्रोमीन बेंजीन पे जो रिएक्शन हो रहा है जनरली ब्रोमीन वाटर या कुछ भी तो इलेक्ट्रोफिलिक है बच्चे। Cl2F3 यहाँ पे Cl जुड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक है H3H4 इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसमें डाउट क्या बचा जी बोलो सीखर वन का ही था। हाँ तो वन न्यूक्लियोफिलिक वजह है न्यूक्लियोफिलिक सबसे नहीं समझता बच्चे ठीक है सर। चलो नेक्स्ट बच्चे जी नाइट्रेशन मोस्ट इजीली देखो कौन इसमें नाइट्रेशन मोस्ट इजीली जाएगा उसे मोस्ट इजिली मतलब एक्टिवेटेड जो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है उसमें ज्यादा इजी जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है प्लस एच है और थ्री अल्फा हैलोजन यहाँ पे सिर्फ प्लस आई है यहाँ पे माइनस एम है और यहाँ पे बच्चे प्लस एच है और साथ में माइनस आई भी है बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन देख रहे हो
दो अल्फा एच है यहाँ पे थ्री अल्फा एच है, तो कौन फास्ट होगा बच्चा जी? थ्री थ्री अल्फा ये होगा ज्यादा फास्ट। ठीक है सर। यस सर, 11th वाला में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आंसर गिवन है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेटा होना चाहिए। अरे बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तुमने सही से देखा नहीं है, तुम उसमें और भी कुछ जुड़ा हुआ है, फिनाइल प्रोप्योनिक एसिड है बच्चे। ये क्या होता है फिनाइल प्रोप्योनिक एसिड? ये होता है देखो, मतलब एक कांसेप्ट समझो कि अगर यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू हो गया ना, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग है बच्चे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ध्यान रखो। या इस पे कार्बन हो गया, उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ उसे कोई मतलब नहीं, अगर एक हाइड्रोजन है तो ये भी क्या हो गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, चाहे एक्टिवेटिंग हो या डीएक्टिवेटिंग उसे कोई मतलब नहीं। या इसमें कोई ग्रुप है उस पर लोन पेयर हो गया, चाहे एक्टिवेटिंग हो या डीएक्टिवेटिंग, क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये चीजें आपको तीन पता होना चाहिए। अब प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है? व्हाट इज प्रोपियोनिक एसिड? तो देखो यहाँ पर ए हो गया बच्चे बेंजीन, ए होता है प्रोपियोनिक एसिड, देख लो दिस इज प्रोपियोनिक एसिड, उसका दूसरा नाम है सिनामिक एसिड भी बोलते हैं इसको। अब बताओ ये डबल बॉन्ड है कि नहीं, बोलो। बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड कौन सा डायरेक्ट? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, गॉट इट? अगर बच्चे बेंजीन पर डायरेक्ट जुड़ा होता क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या ए ऑर्थो पैरा होता क्या? बोला नहीं, नहीं होता, इट इज मेटा डायरेक्ट। तो क्या दिया हुआ ये समझना जरूरी है, आप आधा अधूरा समझ रहे हैं, गॉट इट? यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको समझ में आनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। Which of the following substituted benzene would furnish three isomeric compound when one or more substituent is introduced? Three isomeric compound, three बनना चाहिए। देखो यहाँ पे तो है ना यार, यहाँ पे जुड़ेगा, देखो आइसोमेरिक मतलब ऑल पॉसिबल, ध्यान रखना इसमें ऑर्थोमेटा, जब आइसोमेरिक वर्ड यूज करते हैं ना तो सारे पॉसिबल लिखना होता है, मेटा भी बनता है, मेटा बहुत कम बनता है, समझ आया? तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, मेजर क्या होता है ऑर्थो पैरा, बट आइसोमेरिक की बात कर रहे हैं तो सारे पॉसिबल बनाते हैं। यहाँ पे तीन पॉसिबल है, यहाँ देखो कितने पॉसिबल है, ए और ए तो सेम हो गया, तो सिर्फ दो पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि ए और सेम, ए सेम हो गया ना यार, ए भी सेम हो गया, तो ओनली दो पॉसिबिलिटी। यहाँ देखो कितने पॉसिबल है, वन टू थ्री एंड फोर, बट ए और ए क्या हो गया? सेम हो गया, हमारी पॉसिबिलिटी थ्री पॉसिबिलिटी, यहाँ देखो सिर्फ वन पॉसिबिलिटी, चारों एक जैसा है, ठीक है ना? तो राइट आंसर इज वन एंड थ्री, मतलब यहाँ पे आइसोमेरिक पूछ रहा है आपको, मेजर वजर नहीं पूछ रहा है, कौन मेजर कौन माइनर, मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, मतलब आइसोमर पूछ रहा है कि किसमें नंबर ऑफ आइसोमर बताओ किसके तीन किसमें। ठीक है सर। सर इसमें इथॉक्सी बेंजीन सिर्फ करके दिखाइए ना, मोनोक्लोरीनेशन मेटा, इथॉक्सी बेंजीन क्यों जाएगा मेटा यार, क्या करेगा इथॉक्सी बेंजीन? इथॉक्सी बेंजीन ऑर्थो पैरा जाएगा ना यार, मेटा क्यों जाएगा ये? अच्छा ठीक है सर। इथॉक्सी बेंजीन तो यार एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना यार, हाँ। तो which of the following will undergo meta substitution? सर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि इथॉक्सी बेंजीन भी मेटा करेगा, नहीं करेगा ना बच्चे जी, इथॉक्सी बेंजीन ऐसा है ना यार, ये है इथॉक्सी बेंजीन, हाँ सर, तो प्लस एम हो गया ना, तो मेटा क्यों करेगा, गॉट इट? यस सर। कौन गज जाएगा बच्चे जी? सिर्फ सी करेगा मेटा, बेंजोएट इथाइल फिनॉल भी बच्चे ऑर्थो पैरा, क्लोरीन भी ऑर्थो पैरा, तो सिर्फ ए है बच्चे जी करेगा, जैसे यहाँ पे सी, दिस इज इथाइल बेंजोएट, तो यहाँ पे माइनस एम ग्रुप जुड़ गया ना, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, got it? Yes. Decreasing order of monobromination ना, activated group में चलिए, देखो यहाँ पे plus H effect जुड़ा हुआ है, यहाँ पे minus M जुड़ा हुआ है, यहाँ भी minus M जुड़ा हुआ है, but इसका minus M बहुत ज़्यादा है NO2 का, तो decreasing order क्या हो जाएगा? One, फिर बचेगी three, फिर बचेगी two, सबसे last में हो जाएगा
फोर फोर में माइनस में ज्यादा है तो वन थ्री टू फोर बी द राइट आंसर ओके सर इसमें क्या चाहिए Which of the following undergo chlorination at fastest rate? तो ये तो अभी डिस्कस किया था यार बच्चे यहाँ पे लोन पेयर है ए प्लस एम है ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे लोन पेयर है वी प्लस एम है यहाँ पे लोन पेयर है तो एक्टिवेटिंग नेचर वो एक बच्चे सबसे कम है तो राइट आंसर इज डी मोर एक्टिवेटिंग तो थ्री डिग्री क्या हो गया थ्री डिग्री माइन हो गया ना इसलिए सबसे फास्टेस्ट तो डी सी बी ए ठीक है सर इसको क्या होगा जी बोल रहा ओनली वन आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म हेंस एक्स इज सिर्फ एक ही वाई जुड़ना चाहिए पहले से दो जुड़ा हुआ है अब क्या जोड़ोगे कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा एक्स्ट्रा यहाँ पे सीएल थ्री है बच्चे थ्री में सी तो बच्चे यही तो है अभी हमने डिस्कस किया था ए जो सीएल होगा ना तो कहीं भी जोड़ लो सारे एक जैसे ही तो सिर्फ एक ही जुड़ेगा जो है तो हिंस एक्स इज क्या है डाइक्लोरो कौन सा डाइक्लोरो पैरा डाइक्लोरो पैरा आइसोमर्स पैरा अगर आइसोमर्स होगा एक्स तो उसमें बच्चे वाई जब बनाओगे तो अकेला ही बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है समझ में नहीं समझा तो बोलना है नहीं समझा ये नहीं कि नहीं। सर बोल रहे हैं समझ गया चलो बच्चे जी ठीक है सर दो तीन डाउट और है मेरे को असाइनमेंट भेजो 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 अच्छा और भी कोई बच्चा था ना जिसको डाउट था यार असाइनमेंट बच्चे जी पूछ लो An aromatic compound AC6C7H6Cl2 gives AgCl on boiling with alcoholic acid solution and the ills this treatment solution. Monochlorobenzoic acids which afford only one monoderivatives. The question. Ab according to these bache, dekho bache, ye bola ki koi organic compound hai. और AgCl बॉयल करने पे बन रहा है बच्चे जी AgO3 से बच्चे मतलब एक क्लोरीन तो बच्चे मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है देखो एक क्लोरीन सब में बाहर है बच्चे और Cl2 है तो दो Cl बच्चे तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ठीक है अब क्या बच्चे जी ऑक्सीडेशन गिव्स मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड तो ऑक्सीडेशन करने से मोनोक्लोरो मतलब सब में एक एक क्लोरीन है बच्चे तीनों आंसर हो जाएंगे अब बच्चे जी जो ऑक्सीडाइज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना ओनली वन मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव ओनली वन मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव ठीक है ना तो ऑक्सीडाइज करके क्या होगा कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना इसका देखो ये क्लोरीन है और ए ऑक्सीडाइज होगा तो COH बन जाएगा ए जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा COH Cl सॉरी ए Cl है और ये ऑर्थो वाला है तो बोल रहा है मोनोनाइट्रो किसमें मोनोनाइट्रो बनेगा किसमें मोनोनाइट्रो बनेगा तो बच्चे ए देखो ये तो लोन पेयर वाला ग्रुप है ना तो इसके ऑर्थो पैरा पे जाएगा तो इसका देखो देख रहा है ऑर्थो यही तो चॉइस है पैरा तो ऑलरेडी ऑक्युपाई है इसका इसमें सिर्फ वन बनेगा इसमें कितना बनेगा देखो ये भी ऑर्थो है और पैरा है तो यहाँ पे दो बन जाएगा यहाँ देखो ऑर्थो है पैरा दो बन जाएगा तो बोल रहा है कि सिर्फ मोनोनाइट्रो बनना चाहिए तो व्हाट इज द राइट आंसर ए ए इज द राइट आंसर तो भी बनेगा क्लियर हाँ सर हाँ बच्चे बोलो और किसी को डाउट हो तो पूछते रहो हाँ बच्चे देख लो नेफ्थलीन अंडरगो इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन सी वन चूज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अच्छे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें रिंग एरोमेटिक होना चाहिए ठीक है ना देखो इसमें क्या है बच्चे ए रिंग एरोमेटिक है इसमें बच्चे रिंग एरोमेटिक मतलब लॉस हो गया ना एरोमेटिसिटी बच्चे डीलोकलाइज हो गया जी इसमें एरोमेटिसिटी लॉस हो गया बच्चे इसमें एरोमेटिसिटी लॉस हो गया सबसे मोस्ट स्टेबल क्या होगा ठीक है सर ए होगा
क्योंकि मैं डी कर रहा था। हाँ ठीक है ना, तो एरोमेटिसिटी लॉस करा दिया ना आपने, तो एरोमेटिसिटी मेंटेन होना चाहिए, तो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल। क्या बचे जी, द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोब्रोमेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट इज, फिनाइल बेंजोएट ब्रोमिनेस सर, फिनाइल बेंजोएट ब्रोमिनेशन क्या होगा, देखो ए एफ फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट क्या होता है देखो, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे पी एच जुड़ा हुआ है, अब देख रहे हो ये दो रिंग है, एक तो रिंग ए है बच्चे जी, दो रिंग जुड़ा हुआ है, देख लो अब एक ए बेंजीन है एक ए बेंजीन है, ठीक है, अब बताओ इसमें ए माइनस एन जुड़ा हुआ है, इसमें सी डबल ओ जुड़ गया ना माइनस एन जुड़ गया, और जिसमें ओ जुड़ा हुआ है ना ए बच्चे प्लस एम है, देख रहे हो प्लस एम, तो ए हो गया डीएक्टिवेटेड रिंग, ए हो गया एक्टिवेटेड, तो बच्चे रिएक्शन एक्टिवेटेड रिंग में होता है, डीएक्टिवेटेड रिंग में नहीं होता है, और एक्टिवेटेड रिंग है बच्चे जी तो ओ क्या है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पे क्या हो जाएगा स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगा, तो पैरा इधर में, तो यहाँ पे बच्चे ब्रोमीन हो, तो कौन बच्चे जी जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बेंजीन से उस पे पैरा हो जाए, तो राइट आंसर इज डी। ओके सर, इसे कन्वर्ट करना है, पैरा पे ब्रोमीन चाहिए तो करा दो ना ब्रोमिनेशन, अल्काइल ग्रुप है पैरा पे ब्रोमिनेशन करा दो, ब्रोमिनेशन क्या होता है Br2CCl4 नहीं होता है, नहीं होता है बोलते हाँ Br2Fe करा दो यार, Br2OH ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, लुईस एसिड लेना पड़ता ना बाद में, ए लोग तो क्या बन जाएगा Br2 ए कन्वर्ट हो जाता है किसमें FeBr3 में, और ए रिएजेंट होता है बच्चे समझा ना, फ्यूडल क्राफ्ट सर नॉट फ्यूडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, Br2CCl4 किसमें लोगे जब यहाँ पे क्या जुड़ा हो OH जुड़ा हो या NH मतलब स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड हो, तो उसमें लुईस एसिड जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है, बट इसमें बच्चे जी डायरेक्ट नहीं हो सकता, मतलब आपको लुईस एसिड लेना ही पड़ेगा, got it yes ye kya bache ji HOCl bache ji HOCl mein kya what is electrophile what is electrophile Cl plus electrophile kyunki HOCl hai na acid ke presence mein kya hota hai water deta hai aapne padha hoga alkene mein bache ji aur Cl plus hota hai यहाँ पे लुईस एसिड जरूरत नहीं है अपने यहाँ पे सीएल प्लस दे रहा है जोड़ दो क्लोरीनेशन ए इज द राइट आंसर नॉट ए बी इज द राइट आंसर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो जुड़ेगा तो वाटर बनता है सीएल प्लस होता है तो सीएल प्लस इलेक्ट्रोफाइल ठीक है सर ओएच वेच कुछ नहीं जुड़ेगा यहाँ पे नो ओएच नो OC3 नो OCl इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ेगा सीएल प्लस इलेक्ट्रोफाइल इसी वजह से जुड़ेगा ओके सर हो गया मैडम हो गया चे चलो बच्चे और किसी को कुछ डाउट थैंक यू सर चलो बच्चे जी थैंक यू वेरी मच बच्चे जी फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीक में चलो किसी को डाउट हो किसी को इंडिविजुअल डाउट हो चलो बाय बच्चे बाय बाय सर थैंक यू सर